अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ये कहानी है 2003 की। अब आप सोचोगे 2003 बिगनिंग ही कितनी बोरिंग है, राइट? हेलो, 2003 इसलिए क्योंकि उस टाइम उसामा बिन लादेन टेरर अटैक्स का बाप जिंदा था और रॉकिंग था। 9/11 यूट्यूब पे, गूगल पे उसामा बिन लादेन के हिट्स अभिषेक बच्चन से ज्यादा होने लगे। पॉपुलैरिटी तो ऐसी बढ़ गई थी कि ऐसा लगने लगा था कि फिल्म स्टार्स की तरह टेररिस्ट का भी कोई अवार्ड फंक्शन होने वाला है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया की बैंड बजी हुई थी, हवा टाइट थी, वहीं दूसरी तरफ ओसामा की इंस्पिरेशन में कई नए टेरर ग्रुप्स अपना नाम रोशन करने में लगे हुए थे। ये कहानी भी एक ऐसे ही टेरर अटैक के बारे में है जिसमें पिक्चर देखते हैं यार, चलो। आतंकवादियों और उनकी वादियों में रहने वाले हसीनाओं, आज वर्ल्ड टेररिज्म अवार्ड के फालतू को अवसर पर आप सबों का स्वागत है। आज हम दोनों इस मंच पर खुद ही अवार्ड देने चले आए, क्योंकि पुलिस हो न हो, पॉलिटिशियन हो न हो, आप लोग तो अटैक कर ही लेते। कमाल है, कमाल है। 24 घंटा वर्दी पहन के ड्यूटी करते हम लोग, लेकिन इंटरनेट पे, मीडिया पे और टीवी पे फोटो आ जाता है आप लोग। और इस साल के खतरनाक अवार्ड के नॉमिनेशन है, आइए देखते हैं। ओसामा बिन लादेन जो डांस से पूरी दुनिया को हिला देते हैं। वीरप्पन, अरे मूछे हो तो इनकी जैसी है। मौलाना अजहर, इनका आतंक तो पूरी दुनिया में है। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आखिर में है रोहन। Well done, Ron, well done. और इस साल के विजयी हैं वो सर जिसने अपने पाप से पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, जिनका नाम है God is with us. खुरापाती मिस्टर रोहन। सपने में भी ये अमेरिकन्स कितना ढरके होते नहीं? तुम लोग कभी सीरियस क्यों नहीं होते हो यार? यहाँ से निकलना है कि नहीं? यू रियलाइज हम लोग यहाँ कितने देर से बैठे हुए हैं? कुछ जुगाड़ लगा फिर। बारी बारी आपके ऑफिसर आते हैं, पूछताछ करके चले आते हैं, हमने कुछ किया थोड़ा ना यार। ये कुछ शांत रहेगा नहीं? सर जी, इन चारों का क्या करें, खामखा शोर मचा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये तो जान खा जाएंगे। सर जी, इन चारों का करना क्या है? लौंडे परेशान हो रहे हैं, रोक लें कि जान लें? अच्छा, परेशान हो रहे हैं, रोक के रखो। और ज्यादा टेंशन में आए तो चने खिलाओ, इनके रिलेटिव्स भी आते ही होंगे। रिलेटिव्स? बेखौफ बेपरवाह आवारा सा दिल है मेरी जान, करता है अपनी ये
मनमानिया जाता हूँ मैं वहाँ ले जाए दिल जहाँ मंजिल पूछे मैं हूँ कहाँ मेहरबान देखो है जमीन आसमान देखो देखो मुझ पे है जहां देखो ना देखो ना देखो 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 तेरे आतंकवादी कमरे में बैठा रखे ससुर की नाती को सर की शक्ल से तो स्कूल कॉलेज को लौंडे दिखते हैं अरे तो क्या वो सामा की सकड़ के होंगे क्या पकड़ा कहां तेने सर जी ये रनवे वॉल बाउंड्री वॉल के बाहर थे एक्चुअली सर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने इन्फॉर्म किया था लेकिन पकड़ा हमने सर चलो जी पिछले 3-4 मैचेस में इंडिया का प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं था इसलिए ये मैच इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या टाइम पास कर रहे हो यार कैमरा है यार देख तो ऐसे रहे हो जैसे बॉम्ब है यार ये क्या चल रहा है यार हमें ऐसे कैसे रोक सकते हैं एक्चुअली देखिए मिस्टर किशोर अच्छा नाम है आप लोग हमें यूं एवे ही मत समझे हाँ मेरे दोस्त के डैड ना बहुत बड़े एमएलए हैं अबे चुप अगर चल दैट डिडंट वर्क अरे सर जी क्या यू अबे भैया भी कैमरा मिला इससे फिल्म बना रहे डायरेक्टर साहब ये खड़े यो डायरेक्टर साहब है कौन सी फिल्म बना रहे हो जी इट्स अ डॉक्यूमेंट्री कौन सी मिंट्री इट्स अ डॉक्यूमेंट्री यू सन ऑफ अ भाई कौन हीरो हीरोइन है इस फिल्म में यू तो बता दो क्या टाइम पास कर रहे हो यार जो करना है जल्दी करो ना तू पैसे दे रहा है या मैं पॉकेट में से निकालूं अबे ओए ट्रैफिक पुलिस वाला समझा हमें सबको इसी से तो मतलब है चुप रूफ काम डाउन सर क्या बात है भाई सर ये चारों हैं जो मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे क्यों भाई एयरपोर्ट पे क्या कर रहे थे तुम लोग सर आपकी जो असिस्टेंस है ना थोड़े स्लो है 5 बार बता चुका हूँ कि एयरपोर्ट के बाहर सिर्फ एक प्लेन का शॉट लेने आए थे लेकिन ये लोग तो ऐसे इनसिक्योर हो रहे हैं जैसे मैं इनकी इज्जत लूट रहा हूँ या वी वर एट जंबो पॉइंट और वहाँ भोली की अलाउड नहीं है इसलिए हम इधर आ गए या तो है अलाउड है ए किशोर जरा इनकी चेकिंग कर ले कसर ना छोड़ना नीचे से झगड़ा जाओ भाई यहाँ जाओ थैंक यू शरीफ हां भाई परमिट सेट इधर आ जा झगड़ो बैग यार रख ओके डूड हाथ ऊपर करके सीधा खड़ा रहे एक तरफ ओसामा दुनिया की ले रहा है और आप लोग हमी को पकड़ के खुश हो जाते हो उनकी ना सिर्फ फोटो लगाए रखना दीवार पर उसको भी देख लेंगे चलिए जरा साइड में और हाँ वो लंबे वाला जो है वो बुलाओ से बुलाई सर ने आपको बुलाई सर बस एक मिनट अबे ये क्या मुर्गे के जैसे चल कर रखा डेविड बेकहम स्टाइल है बेकहम स्टाइल है चलिए जरा आजा भाई आजा सर इसे अंदर का भी दिखाई देता है क्या Dude, it's a metal detector. सर जी इसे एक्सरे मशीन में तो डालो नहीं तो इसके पेट में जो बॉम्ब है वो कैसे देखोगे पेट में बॉम्ब कभी भी फट सकता है चुप कर रहा है नो सर रियली इसके पेट में बॉम्ब है सर देखो देखो ओह ही सीरियस एक्चुअली
Yeah, it's planted by our expert bomb dude, Ankit. He can make a bomb, break a bomb, do anything. I'll show you his bomb manuals. It's really awesome. He's like an expert at this sort of stuff. Wait, let me just check here. Just look at their faces. Aap log to serious ho gaye. Arey Kishore ji, itna serious mat ho jaiye. Ye sirf ek joke hai. Hum log malls and amusement parks mein crack karte hain yaar. Relax, relax. Oh shit. Calm down, guys. धत तेरी यार, क्या बॉल खास मांडू साले, बुलाई सबने बॉल डालना भी भूल गए। इससे अच्छी बॉलिंग तो तुम डाल दोगे यार। किशोर जरा लंबे बाल वाले को बुला ले भाई। चलो उधर जाओ। डूड, आई कांट बिलीव दिस मैन, आई एम वाचिंग अ लाइव फ्रिकिंग मैच दैट वाज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे लाल कीड़ा सफेद कर देगा रात भर में। मिस्टर एक काम करना है, नहीं गाड़ी भी चेक कर लो, कुछ मिले तो यहाँ ले आना। हाँ ठीक है, चलो लाइन से खड़े हो जाओ सब लोग। चलना यार, ड्रिल लगा रखा है। सारे शूटिंग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मुगले आजम, फेल कर दोगे। You've got a good sense of humor. Nonsense. रख। लचक। कहाँ ले जा? अरे चेकिंग करेंगे। हाँ, परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? सर ये देखिए। Dude, look between his legs now. 3, 2, 1. ध्रुव, आँख बंद कर। ये क्या है भाई? समीर रिक्वेस्ट यू प्लीज इसे अंदर रख दीजिए, छोटे छोटे बच्चे। ये शूटिंग करते हो तुम लोग? नहीं सर, ये आँख बंद कर। कौन सी स्कूल की किताबें हैं भाई ये? स्कूल की किताबें नहीं है सर, यू गॉट सम कलेक्शन। पागल सर। अरे ये देखना सर क्या है? इट्स किशोर जी। हाँ भी यार, अश्लीलता की हद हो गई। क्या जमाना आ गया है। ये देखो सविता भाभी। क्या सविता भाभी? कार्टून भी साले अश्लील बनाने लग गए हैं। सर आपको सविता भाभी नहीं पता? She is quite famous, sir. तेरे से भी ज्यादा फेमस हो गई क्या? देखिए देखिए ये भी सीढ़ी मिली है। ये हंसी लगा पसीना, घाघरे में धूमधाम। क्या घाघरे में? क्या गंध मचा रखा है ये? हैं? ये अलकायदा की है, लड़की को मिला ठरकी। Actually, that's the latest in the market. मेरी दोस्त है दुबई में, उसने भेजी है मुझे। It's Osama's new sex tape. It's awesome. ले भाई, रख ले ये सब। रख, संभाल के रख ले इनको। नहीं नहीं, वो लास्ट वाली मैंने देखी नहीं अभी तक। मैं उसको देख के आपको दे दूंगा। चल बेटा किनारे पे सब। आपको रात को देखनी है बीवी के साथ। उधर कहाँ जा रहा भाई? इधर आ जा। अरे सीधा खड़ा हो जा भाई, सीधा खड़ा हो जा। बड़ा टाई भाई लग रखा है तेने तो। इट्स नाइस राइट? तेरी राम को जीना हराम कर दिया। किशोर इनके गाड़ियों के कागज वागज चेक किए सालों के। What are you doing, man? यार ये औरों की बीवियों पे कमेंट करता है? सारी ठुकी पड़ी है। काम करो, किसी कंप्यूटर वाले को बुलाओ। साला खामर, इससे ये कहाँ से मिल गया? वो टेप। हाँ टेप सर। टेप, उनको चेक करवा। सर। ये क्या है भाई? बम। अरे तेरी मेरा। Oh shit. गुंडे कमीने। Hey, don't. ये हमारा कोई बम बम नहीं है, ये हमारा बैग नहीं है। अब ज्यादा हो रहा है। रोहन जस्ट काम डाउन डूड, जस्ट काम डाउन। ध्रुव रिलैक्स, आई हैव इट अंडर कंट्रोल। मैं आपको शौचालय तक लेके जाऊंगा। आई एम सीरियस। ब्लडी कमर्स, दैट्स माय स्कूल प्रोजेक्ट। It's not a bomb. साले चूहे के बच्चे मारो आगे आया क्या? क्या बसुड़ी मचा रखी है? मिनट ना लगेगा, अंदर कर दूंगा। जमानत तो होने से रही। 7 दिन तक बाप ढूंढता फिरेगा कि लौंडा किधर गया। पूरे देश में हाई अलर्ट मचा हुआ है और तुम लोगों को फिल्म बनाने की सूची है। अरे 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सच सच बताओ, कौन हो, कहाँ से आए हो और एयरपोर्ट में क्या कर रहे थे? वरना ये किशोर बगल में खड़ा है, बंद कमरा और लाठी का जुगाड़ करने में टाइम ना लगेगा। अबे मुंह खोलने को कह रहा हूँ। शिट मैन। अबे मुंह खोलने को बोला था। सॉरी सर, इट वाज इंडिजेस्टन। सर जी पेट खराब दिखे। सब रुक जा भाई, रुक जा जरा। रोहन योर फार्ट किल्स। हाँ बोल अब बोल। So I think we should just get over with this. मेरा नाम है अंकित, अंकित शर्मा। ये मेरा भाई ध्रुव। Yo. This guy here is Bulai Chattopadhyay. And this person on my left is my friend Rohan Malhotra. Sir, हम लोग ना यहाँ सिर्फ एक फिल्म बनाने आए थे। It's just a documentary, सिर्फ एक कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह। और इसमें तो कोई हीरो हीरोइन भी नहीं है। और जैसा कि आप हमें शक्ल से देख रहे हैं,
हम में से कोई भी टेररिस्ट तो नहीं लगता राइट, तो फिर हमें रोक के क्या फायदा? हीरो हीरोइन ना है तो तू बन जा हीरो, खड़ा रहे चुपचाप। हाँ भाई, तुम लोग एयरपोर्ट में क्या करने आए थे? यहाँ पहुंचे कैसे? सब बता दो। फियाट से बोला ना फिल्म बनाने गए थे। एक सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन। सर वो क्या है कि हम लोग अपने फिल्म यानी प्रोजेक्ट की फिनिशिंग टचेस देने के लिए कैमरा लिया और निकल पड़े। मौसम सेट था, गाने भी अच्छे चल रहे थे और गाड़ी भी एकदम फुल स्पीड से निकल रही थी। यार सीधे बैठ रोहन, सीधे। What the hell is going on, man? Just a minute. हाँ, क्या कर रहा है यार? रोहन हिलता है ना तो पूरी गाड़ी हिलती है। ये गाड़ी है या बैलगाड़ी? ये काउ पावर से चलती है यार। हाँ हाँ घासमांडू, तू निकाल लेता ना अपनी हॉर्स पावर वाली फरारी। गाइस यार इकलौती बाइक थी उसे भी गिरवी रख के आया हूँ ताकि हम चारों जा पाए, उसमें भी साले तुम लोग इतने नखरे। Just kidding, man. अच्छा इसकी टॉप स्पीड क्या है? Pull it, man. Yeah, pull it. मुझे सर बाहर करके बाल उड़ानी है, just like in the movies. And boy, you shoot this man. Dude, no point, man. Don't even try. इसका टॉप स्पीड इज लाइक 30 किलोमीटर पर आवर। हाँ हाँ बुलाई, आप भी उड़ा लो मजाक। कुछ ही दिनों की बात है गाइस, एक बार ये फिल्म बन जाए ना फिर इस पूरे देश को हिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। और फिर वी गोना हैव अ पर्सनल लिमोजिन्स, द फेम, द ग्लोरी, द बेब्स, मनी। सोच के ही कुछ हो रहा है मुझे यार। Yes, we're gonna make it. Woohoo! We're gonna screw the world. Wait, Rohan. What the hell you're doing, man? ये गाड़ी कैसी है यार? Jinx, man. साले तेरा हेलीकॉप्टर जो बाहर जाके व्यू देख रहा है यार। Side view mirror. Gone. हमी ने क्या कर दिया यार? भाई, अब तेरी बाइक गई। Bulai camera there. यार। Hello. Hello, भाई. हाँ हाँ मिंटू बोलो यार। अंकित भाई मेरी मार्कशीट का क्या हुआ? पेशेंस यार, तुमको एक तो इतनी बार समझाया था कि चौधरी चरण सिंह की डिग्री मिल रही थी वो ले लेना, उसका फॉर्मेट भी रेडी था, पर नहीं साले तुमको चाहिए वो फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी। भाई फॉरवर्ड नहीं फॉरवर्ड। हाँ फॉरवर्ड। सर जी आपको हार्वर्ड का दिला दूं? भाई प्लीज यार। अरे मेरे डिजाइनर्स लगे हुए हैं यार लोगो टिपने में। भाई मिंटू देख अभी बार बार फोन मत कर नहीं तो मैं फेल कर दूंगा। अच्छा सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। Dude, who's this Mintu now, man? Hey, sala EPD. Extra paise wala extra duffer. मैं सोच रहा हूँ मैं भी ये business शुरू कर दूँ। और बुलाई मैं सोच रहा हूँ कि पहले आप एक फोन खरीद लो। अच्छा ये सब छोड़, पता ना तुझे मिलते कहाँ ये सब clients? ऊपर वाले की solid वाली देन है अपने पे। आते जाते टकराते रहते हैं। पर ये वाला specifically छत्तरपुर में मिला। That place is very lucky for you, huh? Right, dude. ये Mintu, उसके पहले वो? Shut up, Sale. Okay, Ankit, now for the camera. How was it with Diana? What? Dude, relax. Are you, dude? He's been desperate for you since school. Yeah, that is her problem. Dude, seriously, please, come on, for the camera, man. Dude, kuch to okay, bata okay, yaar. Okay, chill. Bol raha. Okay, this is better. Well, I went to this farmhouse party and wahan pe bahut sare party animals to the hi. Saath mein farmhouse owner ke paas khud ke bhi bahut sare animals the. As in paal rakhe the. And there she was, Miss Diana, with a 12-foot boyfriend. हाई उसके साथ थी लेकिन चेकआउट मुझे कर रही थी। मैंने भी उसका सॉलिड वाला काटा। मैंने उसके रूम में बुलाया जरूर, वो भागी भागी आई जरूर। And then guess what happened? I left her stranded with a goddamn goat. Dude, ये तो फुल KLPD का opposite सीन हो गया यार। KLPD मतलब? खड़े कुछ नहीं, KLPD means kilometer, liter, petrol, diesel. Idiot. Yeah. Screw you. But why opposite KLPD, man? Dude, because Ankit left and that left Dinah stranded. Oh, yeah. I thought it was because the goat was a she-goat. What? ये क्या shoot किया जा रहा है यार? हम लोग इतने सारे montages बचे हुए हैं और तू tape paste किया जा रहा है? बाहर shoot कर यार, India Gate. Opening credits भी बचे हुए हैं यार. Thank God at least एक radio system तो है. नहीं तो तुम जैसे jokers के साथ मैं पागल हो जाता. हम जहाँ जाके खड़े हो जाए नए रास्ते वही शुरू, मानेंगे खुद को किसी का क्यों चेला, बने हैं हम लाइफ के भी गुरु। हम जहाँ जाके खड़े हो जाए नए रास्ते
खुद तो किसी का क्यों चेला, बने हैं हम लाइफ के भी गुरु। सोए सोए दिन है, जागी जागी रातें, सर पे खड़े क्यों है हम, राह नहीं है लगती जो सही है, चल देते खुद ही कदम। ना कोई सुनने वाला है, ना कोई सुनाने वाला, खुद के ही धुन पे नाचेंगे। हा भैया हा भैया, हम नाचेंगे नचाएंगे, हम जहां जाके खड़े हो, हो जाए नए रास्ते वही शुरू। मानेंगे खुद तो किसी का क्यों चेला, बने हैं हम लाइफ के भी गुरु। अरे सोच समझ के छोड़कर भाई, के खा के आया था? मूली के पराठे। आगे। जी सर। अरे आगे बढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, आगे बोल आगे। ओ, आगे 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 सर, बस वो आखिरी लैंडिंग का शॉट लेने के लिए हम लोग जम्बो पॉइंट पहुंच गए। Hey dude, you forgot something. से पहले तो हम ढाबे में गए थे, उसके बाद जम्बो पॉइंट। How could you forget the ढाबा, man? Shut up. It was so awesome, dude. You ass. What? सुना? सारे साहब रुकने। हाँ। हम लोग कितना पैसा खर्च कर चुके हैं? और कितना पैसा खर्च करना बाकी है? ढाबे का भी हिसाब है। Everything. Why aren't you मूली पराठा? You know, I'm off anda, man. My sisters, they keep eating egg whites and giving me the yolk. It's disgusting, man. No wonder you have bad indigestion. Yeah, thanks. Laugh it up. All right, hurry up. We've got to get to the airport. What is this annoying noise, man? Dude, that stupid kid, man. Yeah, he's on a roll today. It's just that people have a myth that they react only at 12 o'clock. But dude, it's 9:11, man. Just look at your watch. Una. पक्का टेररिस्ट मटेरियल है। या बट कम ऑन, तुझे 9/11 की सेवा कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ, मिर्ची अच्छी है। Someone just shut the fucking kid up, man. I have an idea. Oh shit. That is awesome, man. मैं इसको ऐसी टॉफी खिलाऊंगा, इसका ढेंचू 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 हमेशा अगले बंद हो जाए। Poor kid, man. अरे पुत्तर, इधर आ जा। Come on, come on, come on, come on. झाड़ू की सवारी लेके धराओ। टॉफी खाओगे? हाँ दो ना। ये लो। बस सर, फिर जम्बो पॉइंट पे गए, वहां तो बात बनी नहीं, इसलिए सिर्फ वो एक शॉट लेने के लिए हम लोग सही जगह ढूंढते रहे। काफी देर तक इधर उधर भटकते रहे, लोगों से पूछताछ करते रहे कि वो जगह कहाँ मिलेगी जहाँ प्लेन सर के ऊपर से जाता है। आफ्टर ऑल अपने एडिटर ने कहा था तो एक तोड़ू शॉट तो बनता था। इनफैक्ट एक दो घंटे भटकने के बाद हमें कुछ लोगों ने एक जगह के बारे में बताया। देख के वो जगह इतना वियर्ड और डिंजी लग रहा था, खेल तो क्या, बैल गाड़ी का भी वहां आना मुश्किल था। लेकिन जब गोलगप्पे वाले ने आसमान की ओर उंगली की तो हमें पता चला कि हम लोग कितना गलत सोच रहे थे। That is when we realized कि हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल के बाहर खड़े हैं। कुछ भी इंटेंशनल नहीं था, लेकिन अगर शॉट मिल रहा था तो हमने सोचा व्हाई नॉट। तू यहाँ जा, यहाँ से दिक्कत है, यहाँ से आए तो तू मेरे को फोन कर, फोन के लिए खरीदता है यार। हरे अब जल्दी देख, जल्दी। How long more यार? Okay, okay, I think प्लेन आ रहा है, प्लेन आ रहा है। हाँ वही, जल्दी देख, जल्दी देख। अबे मोटे क्या देख रहे इधर? Look at the sign, man. It says trespassers are going to be shot. I'm sure survivors are going to be shot again. One RGV shot.
चल खड़े हो यार ठीक से खोलना मोटे शॉट लिया खड़े हुए और इतने में आपके गार्ड से हमें पकड़ लिया। ए इधर आओ। ध्रुव अच्छे। कौन है तुम लोग? क्या बात है भाई? कर रहा हूँ ये। नहीं सर बस वो एक छोटा सा शॉट ले रहे थे बस वो। कौन हो तुम लोग? और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? नहीं सर बस सर एक फिल्म की शूट कर रहे हैं। ये डायरेक्टर है सर। अरे तुम लोगों के पास कोई आईडी परमिशन वगैरह कुछ है क्या? परमिशन तो नहीं थी। परमिशन नहीं थी फिर भी शूटिंग। सॉरी सर। अरे आई एम थर्स्टी यार। पेप्सी मिलेगी? डाइट? हाँ पेप्सी के साथ तंदूरी भी दूंगा। बेटर है लाता हूँ अभी। अरे कुछ हो गया पागल हो गया साले? पेप्सी भी नहीं है तुझे? प्यास लग रही है यार। साले ऐसे सिचुएशन में पानी नहीं मांग सकते। गाइस ये क्या था यार? सर जी चारों गड़बड़ है। चारों गड़बड़ ही दिखे हैं साले। I just realized कि RGV short name नहीं लिया। I swear, I think you should stop following RGV now. उसका time अभी खराब चल रहा है। You should start following Yashraj films, you know? बुलाई। Sir, ये कैमरे में खतरनाक वीडियो है सर। अच्छा? हाँ सर। Dude, I think we should call our parents. Are you mad? ये वाला interrelation? Dhruv, it's called interrogation. Sorry, भाई। ये वाला इंटरोगेशन इज बेटर देन घर का थर्ड डिग्री। एब्सोल्युटली। मैंने स्कूल बंक किया यार। शिट। और ये लोग ने मेरा प्रोजेक्ट भी ले लिया। ब्लडी खामर। अरे तेरी मैं लगा तेरी हैं? प्रॉब्लम है कि हम और भी बड़े प्रॉब्लम में फंस गए। हाँ बंटी बोल। भाई एक कॉन्डम का पैकेट और दिला दे भाई। क्या? भाई मैं सामने खड़ा हूँ केमिस्ट के मगर मेरी हालत नहीं हो रही भाई। साले ठरकी पहले तो दो पैकेट दे चुका हूँ उसका गुब्बारा बना के गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया क्या? मैं क्या बताऊँ आपको भाई लड़की तो मिली नहीं भाई और मम्मी ने और जैकेट में देख लिया भाई। साले यहाँ फटी पड़ी है और तुझे कॉन्डम की पड़ी है? मैं इस उम्र में बच्चे का बाप नहीं बन सकता भाई। फोन रख साले फोन रख। तू क्या अच्छा है? Dude, that was really rude, man. Screw you, Rohan. छोड़ना यार। Dude, तेरे पेरेंट्स नहीं मेरे तो आने से रहे। I think we should call Rohan's dad. What? No, man. Dude, he's the best bet. Listen, first of all, you're not supposed to interrupt me. ये ढाबे वाली कहानी was so damn necessary, right? हम लोग guys जितना ज़्यादा बोलेंगे ना, उतना ज़्यादा वो हम पे शक करेगा, उतना ज़्यादा सोचने लगेगा। ये ढाबे वाली कहानी, वो तो आप भूल ही गई। No, no, dude, पर जो हुआ था कि ढाबे में जब थे कैमरा वाज ऑन द एंटायर टाइम और वो फुटेज देख रहे हैं ना इसीलिए मैंने सोचा नो सरप्राइजेस सो इट रियली मेक सेंस इफ यू थिंक। सो रोहन सो वेट अ सेकंड शिट द मेन थिंग इज द ब्लडी आरडीएक्स ओके द मेन थिंग इज द आरडीएक्स मैंने अजू से बात कर लिया ही इज द बेस्ट गाय टू डू ऑल ऑफ दिस ओके। अरे तेरी बहनों का तेरी आरडीएक्स? सर आरडीएक्स ही नहीं इसके अंदर पार्लियामेंट इंडिया गेट और अपने एयरपोर्ट की तस्वीरें इन्होंने निकाली है और राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें तो सर ऐसे निकाली है प्रेसिडेंट की तो नींद उड़ जाने वाली है सर। तेरी बहनों का तेरी इतनी देर से साले झूठ बोल रहे थे भोली भोली बातें कर रहे थे साले घोड़ा गाड़ी मौसम अच्छा है साला जरूर कोई राड़ा पड़ा है। अब क्या करे सर? करना के इंटेलिजेंस को फोन करो और वो एटीएस को खबर करो साला। हाँ ये दिमाग वाला काम नहीं का अपने बस में ना है। हाँ, आजा चल। हेलो मुझे अर्जेंट में अर्जेंट एटीएस से बात कराओ। जी आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं एयरपोर्ट मैनेजर बोल रहा हूँ। बस वो लोग फुटेज चेक ना करें ना तो सब सेट है। मस्त लग रहा है। हाँ ए Dude, this is seriously getting scary, man. मेरे स्कूल में पता लग गया ना तो मुझे ऐसे ही बाहर निकाल डालेंगे। लाइफ जंड है यार। You know what, guys? Let's just calm down. Okay, I think it's all cool. For all you know, ये अपना struggle है यार। वो final destination से पहले वाला struggle. Maybe we'll all just get it. पर एक काम करते हैं। अभी हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट गाड़ी के बारे में भी नहीं बोलेंगे ठीक है? पूछा तो बोलेंगे बुलाई की गाड़ी। व्हाई
तेरे ओवरऑल लुक के साथ बड़ा मैच होता है यार। What the fuck? Jesus. Shit, Rohan. Rohan साले, Jesus का नाम लेके भी गलत काम करता है। Terrible. तुम लोगों के पास नहीं है ये, यहाँ क्या करने गए थे तुम लोग? ये तो वो पिकनिक साले, एटीएस ऑफिसर आने वाला है, उसके हाथ में आतंकवादी लग गए ना तो मार मार के ऐसा भूत बनाएंगे साले की। आरडीएक्स खरीदना है? नहीं नहीं, आरडीएक्स तो शिट, दिस इज गेटिंग सीरियस, कुछ सोचना यार, एटीएस एंड स्टफ। क्या बात सर, पढ़ रही सर? नहीं नहीं सर, सर वो मैं सोच रहा था कि सर मुझे लगी है, वो बहुत बहुत जोर से लगी है सर। लगी है? हाँ। डर लगाता हूँ तुझे। विनोद, यस सर, जाए सर टॉयलेट का रास्ता दिखा दे। चलिए। अकेले मत जा यार। सर अकेले? सबको साथ लेके जाएगा तू? हाँ नहीं। जानी साले मार दूंगा, यही मुद्दे कभी। दोस्त ने पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दिया और वो पी भी गए। बस यहीं से शुरू हो। सर जी, सर जी, मेरे दोस्त क्या हाल? I don't know. ओमी क्या है यार, ये क्या लगा रखा है तूने? सनसनीखेज न्यूज़ है सर। अरे सनसनीखेज न्यूज़ को बंद करो और मैच चालू करो। अरे क्या मैच सर जी, जब हारना है तो क्या मैच देखना फिर? आज हम मैच जीतने वाले हैं ओमी। सर जी जीतने का जमाना आ गया। ठीक है बोल, लगा था 50-50 की शर्त? क्या सर जी, 50-50? ठीक है 100 की लगा ले। इस ओवर में एक विकेट गिरा ही गिरा। गिरने वाला तो ना सर जी। अच्छा ठीक है तो डन, 100-100 की लग गई है शर्त। आउट कर, आउट कर जी, विकेट तो ना गिरने वाला इस बार। If he's an ATS officer, then I'm LT Usha. Abey mote, PT Usha. Whatever. In America, we've got officers with 8-pack abs. This guy, 1-pack, full family pack. Really? हाँ भाई विलकंटन, क्या बोल रहा था तू? मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या कर रहा था तू? हाँ, family, family, हाँ? क्या family बोल रहे थे भाई? बैकयार्ड में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ओम प्रकाश, क्या दुविधा है? सर जी, ये चारों रनवे चार की फोटो खींच रहे थे तभी धर लिए गए। तब से सालों से जवाब पूछ रहा हूँ तो ठीक से जवाब ना देते। वो तो अच्छा हुआ मैंने कैमरा चेक कर लिया। ए, कैमरा ला, ला जल्दी ला। जी सर। सालों ने प्रेसिडेंट हाउस की तस्वीर फुल कलेजे से खींची है। ये लौंडा जो बीच में छाती फाड़ के बैठा है, ये कैमरे में कहता है कि आरडीएक्स का जुगाड़ कर देंगे। तेरा आरडीएक्स साला, और इनसे कोई सवाल करो है? तो बातों में बात ऐसी पेलते हैं कि अच्छा खासा आदमी कंफ्यूज हो जाए। तेरी बहन का तेरी दूल्टा हाथ खींच के बहन के, इन लोगों के लिए बंद कमरा और एक लाठी होनी चाहिए बस। खेल खेल रहे हो तुम लोग। एयरपोर्ट पे खेल खेलने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर, घंटा, क्रिमिनल कहते हैं, क्रिमिनल, टेररिस्ट। समझ में आई बात? और इसे देखो, 1.5 फुट का है नहीं, छोटा शकील बनना चाहता है। सर मैं तो वकील बनना चाहता हूँ। अड़ा दूध के दांत तो गिरे नहीं, बातें तो ऐसी करता है कि ताजमहल नीला कर देगा। यहाँ पे तो लौंडे चार दिख रहे हैं और इधर तीन। एक टॉयलेट में है सर। देख साला, हैं? जुलाब इसे लगाए और हगने हो गया। ओ शिट। और चैंपियन किया हाल है तेरा है? ओए बड़े दिन हो गए, तेरी आवाज नहीं सुनी है, कितने है तू? हाँ ठीक है, आपके क्या हाल है? ओए अपने भी हाल एकदम टन 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 गया है। टनाटन? ओके। ओए यार बड़े दिन हो गए, आपा जीपी रोड नहीं गए यार, और तंदूरी भी नहीं पाड़ी, तू आजकल दिखता नहीं है, है कहाँ पे? रियली? वेल आप भी तो नहीं दिखे ना। ओ ये गल तेरी सही है यार, और वैसे ये बढ़िया मौका है, अपन अभी मिल लेते हैं, क्या बोलता है तू? अभी नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे अभी नहीं, ऐसे कैसे? अभी तेरी बहन दी मारी तेरी खोते दे पुत्र। क्या हो गया भाई? यार तुझे नहीं बोल रहा हूँ, कोई भूतनी का साड़ी गल सुन रहा है, तू एक काम कर फोन रख, मैं इसका हिसाब बराबर करता हूँ। ओए माई हवा खोते साले,
माया पंगा ले रहे मेरे साथ। अरे तेरी माँ दी। अरे बाहर निकाले खोते थे पुत्र। अरे मेरी आवाज को आवाज निकालता है, अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? खोते थे पुत्र बाहर निकल। माई आवाज साला तेरी भैन दी मारी। तुम्हारा नाम क्या है? सर अमांकित। अमांकित क्या नाम हुआ भाई? नहीं सर, आई एम अंकित। ओह, सो यू आर अंकित एंड यू आर ध्रुव उर्फ छोटा शकील। हाय एंड आई एम रोहन गोवर्धन मल्होत्रा। ओह ही इज गोबर। लुक्स लाइक वन सर। मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान है। माय ओह हाय। चने खाओगे? नो सर थैंक्स। जब बचपन में मोहल्ले के लड़के चरस और गांजा पिया करते थे, हम चने खाया करते थे। चने खा खा के सर का दिमाग इतना तेज हो गया कि अब वो जब घर से निकलते हैं ना तो पूरा केस सॉल्व करके ही घर वापस आते हैं। और भाई देखो, आज तो एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है कि तुम्हारी भाभी सविता भाभी, उसने अपने माचो मैन के लिए दम पुख्त बिरयानी। सविता भाभी? और क्या बात है सर, मुंह में पानी आ गया सर। Did you hear what he said? He's married to सविता भाभी। सर आपकी बीवी मीनिंग सविता भाभी, वो तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाती होगी दम पुख्त। हाँ हाँ बहुत अच्छा बनाती हैं। क्यों मरवा देंगे ये साले। आपने तो उसकी लेटेस्ट मैगजीन देखी होगी। सारे कुछ भी बकवास करते हैं। अभी जी मैगजीन मैंने लिखी, आपने पता ही नहीं मेरे को। I really don't know, maybe। अच्छा पर क्या मैगजीन की क्या बात हो रही है? नहीं सर जी, ये लोंडे वैसे ही बकवास कर रहे हैं सारे। तेरी तो पास थी। हाँ he was checking out सविता भाभी। Checking? ओम प्रकाश was checking out सविता? हाँ ओम प्रकाश जी, क्या है, क्या चेकआउट कर रहे थे तुम? मुझे दिखाओ कौन सी मैगजीन है, लेके आओ इसी वक्त। चलो हटो यहाँ से, देखने दो मुझे। अरे यार क्या गंदी गंदी मैगजीन रखी हुई है, क्या सविता की। ये सविता भाभी? बदतमीज। आई होप वो एंग्री सरदार गया। अब ये लोग कौन है? शिट। ओम प्रकाश, इतने साल की यारी का ये सिला दिया तुमने? ये मोटा कौन है? लगता है रोहन के डैड है। अरे सविता भाभी है तुम्हारी। अरे नहीं सर जी, मैं जानता हूँ सर जी, बोलो। मुझे पता था सर, अगर हमें कोई बचाने आएगा तो वो आप। गुड डिसीजन रो, बट आइडिया मेरा था। ETS, ETS। आगे ना कदमों के नीचे, कोई टेंशन नहीं, कपाल भाती किया कीजिए, दिन में 3 बार, ब्रीद इन ब्रीद आउट। बुलाने का तो बुलावा आ गया। अंकल थैंक यू, बड़े दिलवाले हैं आप। You're welcome। काश मेरे पास भी ऐसे डैड होते। डैड? मोटे पर क्या हुआ यार? Yeah! 37 चेंबर ऑफ चौहान। अरे ओम प्रकाश, कहां से पकड़ के लाया इन चारों को यार? अमेरिकन एम्बेसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक टेररिस्ट स्ट्राइक होने वाला है सर, एक्जेक्टली लाइक 9/11। और सर जी, इन सारों के कैमरे में भी अमेरिकन एयरलाइन की लैंडिंग है, जो सामान हम बिल्डिंग में ठोक दिया जी सर। और लैंडिंग से पहले पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रिपोर्ट भी कर दिया था सर। तो अमेरिकन की तो सुननी नहीं चाहिए ना, और चारों की शक्ल देखी है, टेररिस्ट साले। अरे सर जी, मैं तो कहता हूँ पुलिस के हवाले कर दो। प्रोटोकॉल के मुताबिक हमें उन्हें यहाँ पे कुछ देर रखना होगा सर। वैसे सर, कैमरे पे उन लोगों ने RDX के बारे में बातें भी की है। अरे तो थॉमस बात ही कर रहे हैं ना, बातें हैं, बातों का क्या, हिंदुस्तान में साला कौन बात नहीं करता है? लीडर बात करता है, म्युनिसिपैलिटी वाले बात करते हैं, हम बातें करते हैं, कभी कुछ करते हैं। सवाल ही नहीं उठता सर। हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ, ये लड़के डकैत नहीं है, बकैत है, बकैत। ठीक है सर, मैं बकैत को छोड़ देता हूँ। करेक्ट। अरे ना सर जी, ड्यूटी तो ड्यूटी है, बात में ब्यूटी है, थोड़ा चोर पुलिस कह लेते हैं सर। ठीक है तो छापे मारो 4-5 जगह और देखो कहीं RDX बिका है या नहीं, और पता करो अज्जू है भी या कि बस ऐसे ही कुछ बोले। सर एक घंटा सर। घंटा RDX। हेलो। हाँ सुनो, पिकअप या Hey dude, let's have some fun with Ankit. Let's tell him about the phone, all right? Prachi's been calling me a lot on my phone. She's called me also 50 times, yeah.
I can't even tell her I'm here. अब तो साला फोन भी नहीं कि उसको मैसेज करके कुछ भी बोल दूं। इनके माँबाप से बात की? अरे सर जी, ये जो दो भाई बैठे हैं ना, इनके फादर को फोन किया तो फोन कोई उठा नहीं रहा था। अब पिछले 2-3 बार से फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अच्छा। और वो मोटा, वो कहता है मेरा बाप अमेरिका में रहता है। really? और वो साला, वो लंबे बाल वाला बहुत हरामी है साला। उससे पूछा तो कहता है मेरे पास कोई फोन नहीं है। हमने कहा चल भाई अपने बाप का नंबर दे दे, तो कहता मुझे याद नहीं है। बाप का नंबर याद नहीं सर, और उसके पास फोन भी नहीं है। Very good। सूरदास जी। सर मैं? जी सूरदास जी, आप अपना फोन देंगे जरा मुझे? सर आई डोंट हैव अ फोन। मेरे पास अगर फोन नहीं है तो तू बात कैसे करता है? सर मुंह से? नहीं 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 नहीं, मुंह से? एक्चुअली इसने कभी फोन खरीदा ही नहीं। गाइस हीज नेवर बॉट अ फोन। नेवर बॉट अ फोन? इधर आ, इधर आ। फोन दे, फोन दे मुझे, जल्दी फोन दे। इस छेछड़ू के पास फोन है और तेरे पास फोन नहीं है, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? सर सर इसको लेके जा, वहां खड़ा हो जा, ब्लडी स्टूपिड। सर इसीलिए मैंने आज तक फोन नहीं खरीदा, नहीं तो मेरे पेरेंट्स बार बार फोन करके मुझे परेशान करते रहे। खामोश, आवाज नीचे। मेरी एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, मैं यहां सच जानने आया और सच मैं जान के रहूंगा। उसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि मैं ये चने तुम्हें मुंह से खिलाऊं और तुम लोग मुंह से सच बोलो, और तरीका नंबर दो कि ये चने मैं तुम्हें कहीं और से खिलाऊं और तब भी तुम लोग मुंह से सच बोलो। अब डिसाइड ये कर लो कि चने मैं कहां डालूं। सच्चा तो झूठ ही बोल देता। 10 मिनट देता हूं, सच बोल दो तुम लोग, नहीं तो ओ प्रकाश रिमांड रूम तैयार करवाओ इन लोगों के लिए। अरे सर जी पहले कमरे से बाहर चलो। एक तरफ इंटेलिजेंस कहता है टेररिस्ट पकड़ो टेररिस्ट पकड़ो, तो ये साले दिमाग खाए हुए हैं। कमरा बंद करके सूतो इन लोगों को। सर जी हाँ, एक मसला और है सर जी। अब क्या है ओम प्रकाश? सर जी इस मोटे ने तो कमरा रहने लायक नहीं छोड़ा, जाने ससुरा के खा के आया है, तब से ऐसी जहरीली हवा छोड़ रहा है। अरे हंसने की बात नहीं है सर जी, वो सारे गार्ड लोग परेशान है सर जी, कोई कमरे में रहना नहीं चाहता। सर जी कोई उपाय करो सर जी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ओम प्रकाश एक काम कर, अरे चल साइड हो जा। हाँ इधर आ। क्या है? अरे पहन लो ना। पहन लो पहन लो। क्या है यू भाई? अरे पहन लो, गन फैला रखे हैं ये लोग। एक्सक्यूज मी, कुछ एक्स्ट्रा मास्क हैं? सिचुएशन यहाँ भी बहुत खराब है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा खराब है। आई डोंट स्मेल एनीथिंग मैन। सर जी देखियो यो किसका फोन है, सुबेर से कांप रहा। अबे मैसेज मजा आ रहा है। ओए ओए यू तो डेंजर कॉलिंग बता रहा, डेंजर कॉलिंग खतरा कॉलिंग आ रहा है तो। सर उठा उठा लो सर, कट गया यू, अब की बार जाओ तो बता दियो। व्हाट्स सो फनी? सर फिर बच गया सर। अबे अबे उठा 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 उठा। सर एक काम करो थमे उठा लो। अरे यार मैंने उठाया था और फट गया तो। सर मेरे उठाने पे क्या फटेगा ना बम? सही कह रहा तू, चल साहब को बताते हैं। पहली बार देखा ना खतरा कॉल कर रहा है, चल। व्हाट आर यू डूइंग विद द फोन्स? अरे कैसे भाग रहे तुम लोग? सर 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 डेंजर इज द कॉलिंग सर, ऐसा लगे को खतरनाक कॉल आ रही है। खतरनाक कॉल है, देख लेते हैं। देखिए सर देखिए सर। इधर मेरा फोन लो सर। कैसा फोन रे, उठाए नहीं गया तुझसे? सर खतरनाक कॉल था, मैंने चलो उठाया, उधर कुछ हो गया तो मैं प्रकाश जी पकड़ से इनसे मिलो, ये हमारे पहलवान चैन तोड़ सुगड्डी पहलवान। अबे चने खाया कर, चने हैं, प्रोटीन मिलेगा, समझा? जी सर। ओम प्रकाश जरा पता कर, ये फोन है या रिबोट है बम का? डिड यू जस्ट से बम? बम? व्हाट्स गोइंग ऑन मैन? अरे ये एटीएस साहब के आते ही ना हवा खराब हो जाती है, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बॉस का नामकरण संस्कार? मामूली सा फोन है, लौंडों को मस्ती चढ़ी हुई है, किसी का नंबर डेंजर सेव कर रखा सालों ने। गाइस डिड यू सी डेंजर?
तू हंस क्यों रहा है साले, what's wrong? ये लोग ने प्राची का नंबर डेंजर सेव किया है। What? बंद कमरा हो रे गलाटी हो ना, तो मिनट से पहले सारी मस्ती बाहर निकला रही। Shit, I don't even know how to... Sir, जरा सी misunderstanding हुई है, वो दरअसल मेरी girlfriend का नंबर है, प्राची। वो जरा सी insecure और hyper है सर। Sir, you know how they are, wives, yeah. girlfriends, I'm sure सविता भाभी... क्या बोलो तू? क्या बोला क्या तू? कुछ नहीं, सर देखिए सर, let me just call her once, आपके सारे doubts clear हो जाएंगे। Guys, relax. It's just Prachi. Hail Prachi. Hail Prachi. Hail Prachi. She's my best friend too. Bas wo bulai ne boli. That's why I changed the number on the phone, you know? Shut up! Thomas. Yes, sir. Give him the phone. Yes, sir. Phone. And tell him to call. Savita Bhabhi. Thomas! Is kamre mein agar kisi ne bhi. Yes, sir. Kisi ne bhi. Kisi ne bhi. Agar Savita Bhabhi ka naam liya. To main. To... उसकी टांगे पकड़ के उसको बीच से बात समझ में आई? जी सर, रिलैक्स। जी रिलैक्स। जी सर, यस। एंड कॉल। ओके। पर्सन, लाउडस्पीकर ऑन कर। ओके। हेलो। हाय। थैंक गॉड इट्स यू। लिसन मैं। ओह, सी इज स्टिल अलाइव। अलाइव? Of course. You think this is some kind of a joke? मैं पिछले एक घंटे से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ. Where the hell are you up with? मैं देखो मैं प्राची. बकरी की जैसे मैं क्या किए जा रहे हो? बकरी? You know what? I exactly know what you're gonna say. Sweetheart, मैं कई काम में फंस गया था. Just as usual. Just as usual, you're right. लेकिन सुनो, तुम चिल्लाना बंद करो, तुम लाउड स्पीकर पे हो. What? और सुनो, तुम्हें मुझे यहाँ से ना बचाना है. अंकित, मैंने जो काम दिया था वो किया तुमने? काम? कौन सा काम? वो काम? नहीं नहीं, वो काम भी मैं करने ही वाला था, पर क्या हुआ कि मैं यहाँ आया और हम चारों को यहाँ पे इन लोगों ने इतना सीरियस काम तुम इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं लाइटली नहीं ले रहा हूँ. दैट यू कॉल यू सेल्फ रिस्पांसिबल. एक काम तो तुमसे ठीक से होता नहीं है. नहीं होता है, होता है. शी टॉक्स एग्जैक्टली लाइक सविता. एक्चुअली क्या हो रहा है कि 12 बजे तक का लास्ट टाइम था, 12:30 बज चुके. Mastermind. एक दूसरे पे मुंह तो क्या चला साले, दाई तरफ मुड़ा, दाई तरफ मुड़ के. अबे वो लंबे बाल, ओए उतार कैलेंडर की तरफ. वैसे भी उसके सामने अंकित को जॉक्स नहीं होती. अगर वो खुद तो बिना विचारने बोलेगी ना तो ये चला जाएगा. चुप साले कामड़. सीधा खड़ा हो जा सीधे. Dude, but seriously, what was the problem? It was that time of the month, right? What? But I was like, seriously, ask. You know, guys, I've just realized that having a girlfriend is like having a goddamn job. Takti sidhi pakad. Sidhi pakad. Abe tu bhi sidhi kar le. Tu khud padhega ya mujhe padhayega? Sidhi kar. Nain ke aram kar. Main kabhi apni girlfriend nahi banunga. Kyunki agar Kolaba ki girlfriend hoti na, to wo ghanta kabhi America dhoond pata tha. Abe Ghasmandu Kolaba nahi Columbus. Sorry, yeah. It's actually quite interesting, you know. You can imagine Columbus nikal raha hai America dhoondne aur uski girlfriend baar baar usse puche ki America kaun hai? जिसे तुम इतने दिनों से ढूंढ रहे हो. लग तो लड़की का नाम रहा है. मेरी लिपस्टिक घूम गई, वो तो तुमने नहीं ढूंढी. मुझे भी लेके चलो, अकेले क्यों जा रही हो? बस 2 घंटे जूते पहनने के लिए. गर्ल्स, बड़ी हंसी छूट रही है. क्या हो गया ओम जी? देखो साले कैसे दांत फाड़ रहे हैं. सालो. सर जी, अमरीका के बारे में बोल रहा था. चेक करो, ओवर एंड आउट. हेलो. सर, हम लोग का जो शक था सर, वो लगभग सही निकला सर. Really? अर्जुन नाम का बंदा है सर. उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया सर. इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आरडीएक्स की डीलिंग हुई है सर, वो भी 8 kg सर, वो भी सीमापुरी एरिया में आपके घर से बस 2 किलोमीटर दूर. अर्जुन के बॉस अब्दुल ने डीलिंग किया सर, और हाइट ऑफ कॉइंसिडेंस ये है कि सर डील करते वक्त 4 people सर. 4 4 यहाँ पे भी देर 4 people सर.
Hold on, Thomas. This is bloody serious. पानी अब सर के ऊपर से जा रहा है. Right. जो हमें लग रहा था कि अभी तक स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, they can be terrorists. Hmm. और हम लोग यहाँ बैठकर गधों की तरह प्रोटोकॉल की बातें कर रहे हैं. अरे तो सर जी करना क्या है ये? इन पे 9 डिग्री का इंटरोगेशन शुरू करो. ये लोग राष्ट्रपति भवन के बाहर क्या कर रहे थे, क्यों गए थे वहाँ, तुम जाकर पता करो. फाइंड दैट आउट नाउ थॉमस. किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, उसका नाम चाहिए मुझे. एंड गेट मी आईवी चीफ. वो आईवी का चीफ आपको बहुत देर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है सर. एग्जैक्टली सर. सर हमने 4 खतरनाक लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है. चौहान दिस इज सीरियस. तुम्हें 4 टेररिस्ट के बारे में पता लगाने को बोला था, ये फालतू लोगों को बिठाने का क्या मतलब है? सर फालतू कैसे हो गए? सर आपको मालूम है कि सीमापुरी में आरडीएक्स बिकता है? नहीं मालूम ना, इन लोगों को मालूम है. आप जाके प्रेसिडेंट हाउस की फोटो खींच सकते हैं बिना परमिशन के? नहीं ना, बिना परमिशन के लोगों ने मूवी बनाई है. सर डोंट बी सरप्राइज्ड इफ आई टेल यू दैट दे आर द रियल टेररिस्ट्स. मेरा नाम अंकित शर्मा है सर. रोहन मल्होत्रा. सर बुलाई ध्रुव शर्मा. आज जो कुछ भी हुआ ना सर, अंकित इज माय छड़ी बड़ी मैन. उसमें मेरे दोस्तों की कोई गलती नहीं है. बाबा देव को फॉलो करता हूँ सर. आपको लगा मैं डेविड बेकम हूँ ना? मेरा भाई तो सर ही इज जस्ट 13. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है. फिजिक्स टीचर है हम लोग की, बहुत पकाती है. सर दिन में 50 बार करोगे ना तो आपका ये जो फैट है वो सब चला जाएगा. वीसा इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को कंटाला था उसके लेक्चर पे. दरअसल इंडिया में ना पेरेंट्स की एक ही प्रॉब्लम है, वो अपने बच्चों के लिए 3 करियर्स के आगे कुछ सोचते ही नहीं सर. आई हेट माई लाइफ यार. किसने बनाई है ये इंजीनियरिंग? कौन है ये सब यार, ये आर्किमिडीज बर्नौली? पैसे भी नहीं है यार मेरे पास एक नया गिटार खरीदने के लिए. झंडो के लाइफ तो मेरी रह जाएगी यार. प्राची डूड उसको डांस क्लास से फुर्सत का है. माय लाइफ इज फक्ड एज वेल. ओके आई हैव गॉन 15 टाइम्स टू द वीसा ऑफिस एंड आई डिडंट गेट थ्रू. सिर्फ मेरे ही लाइफ में मेरी वैल्यू नहीं है, एक साल की खटारा बाइक दिला दी है. कुछ करना पड़ेगा यार. लेट्स डू समथिंग. अपने को भी कुछ अलग करना था ना. सेक्स शॉप. लेट्स फॉर्म अ बैंड. क्रिकेट. पॉलिटिक्स. पिक्चर. तुम इस फिल्म में क्या कर रहे हो? आइडिया तो नहीं है, शायद से फोटोग्राफर हूं. सर मेरी आइडिया नहीं है सर, अंकित बोली थी इसलिए. फिल्म्स बेस्ड ऑन इश्यूज, और ऐसे इश्यूज जिससे पूरा इंडिया हिल जाए, हटके एकदम हाथ में आ जाए. हम लोग सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे. माय क्लॉक इज शोइंग 9 आवर्स एंड 11 मिनट्स मैन. श्योर आई डूड. लेट्स डू वो 9/11 टू अमेरिका. लेट्स स्केयर द शिट आउट ऑफ इंडिया एंड पुट इट ऑन टेप. ओके सोची नहीं है, लेकिन इंडिया में उसी तरह का अटैक फिर से हो सकता है. बोलने को तो हम बहुत सेफ है, पर हम लोग सेफ नहीं है. शकल पे मत जा पांडू, मैं क्या हूँ तुझे बता दूं. भोली भाली सूरत पर शकल मत जा. शकल पे मत जा पांडू, मैं क्या हूँ तुझे बता दूं. What the fuck, Rohan? Shit. Dude, अगर टेररिस्ट चाहे तो कभी भी कहीं पे भी किसी भी तरह का अटैक कर सकते हैं. पर आजकल अटैक करने के लिए उसको बॉम्ब्स या एक्सप्लोसिव्स अफगानिस्तान के केव से इंपोर्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है. वो लोग अपने घर पे चाहे तो बॉम्ब बना सकते हैं, और हम चाहे तो हम भी बना सकते हैं. Exactly. और हम बनाने वाले हैं. What you do? हम पासा बड़े नकम्मे, बेले पे रंगे लंबे, सानू ता समझ नहीं आउंदी, आपा किस कम लई जम्मे. बम किसी पार्क में फोड़े तो गली का कुत्ता भी नहीं भौंकने वाला, पर अगर इसे किसी हाईली सिक्योर जोन में फोड़े ना तो अपनी वैल्यू यहाँ से यहाँ पहुंचाएगी. Tonight you're not gonna watch porn. You're gonna go home and take out images of the Rashtrapati Bhavan. That's not sexy. शकल पे मत जा पांडू, मैं क्या हूँ तुझे बता दूँ. तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, हमें पहचाना नहीं. बुद्धि जो इली मेरी रख दूंगा, लेके तेरी वार्निंग है, ये कोई गाना नहीं. आप अज्जू शकल से मर जा, अकल से डर इतना न कर तू, अगर मगर मम्मी कसम तेरी एक करके रख दूंगा. सिस्टर मदर लगे कोई भी दफा पड़े, कोई भी केस हो के रहेंगे गले. शेरा बाप ना लगा रेस, स्टॉप लुकिंग एट मम. तुम लोग सोच भी नहीं सकते, तू अमेरिका आसानी से जा पाएगा. तू साले इतने पैसे मिल जाएंगे, अपना बैंड खोल पाएगा. और मैं कुछ नहीं तो अपने बाप को चुप करा पाऊंगा कि यार मैं इडियट नहीं हूँ. पता नहीं था कि स्टूपिड सी मिस्टेक की वजह से अपनी वैल्यू इतनी गिर जाएगी सर. टेररिस्ट.
I've never seen a terrorist in my life. क्या बात तू छोड़ रहा है? I promise I'll buy a phone, sir. I'm sorry, sir. हाँ, हाँ बोलो. Sir, I think they are planning something today, sir. Are you sure? Yes, sir. देखिए सर, इमिग्रेशन काउंटर नंबर 3, 1250. थॉमस, हमें अमरीकी सरकार से एक एक्सक्लूसिव खबर मिली है. 9/11 अटैक्स में शामिल खालिद शेख मोहम्मद नाम के एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है. शक्ल से तो ये किसी भोले बाबा की तरह लगता है, पर इस चेहरे के पीछे छुपा है एक खौफनाक आतंकवादी. देखना ना भूलिए हमारा इवनिंग स्पेशल शक्ल पे मत जा. I want everybody in. सबको बुलाओ, सबको बुलाओ अंदर. सबको. Om Prakash, come in, please. अरे अंदर ही तो हूँ यार मैं. एक बहुत important information है. ध्यान से सुनो. कुछ आतंकवादी दिल्ली में घुस आए हैं. उनके पास RDX है, उनके पास ammunitions है. वो लोग दिल्ली में कहीं पे भी छुपे हो सकते हैं. हो सकता है वो लोग एयरपोर्ट में भी छुपे हैं, और अगर एयरपोर्ट में छुपे हैं तो फट के चार हो जाएगी. बात तुम लोगों की समझ में आ रही है? और ये चारों झोलू मास्टर, इनका कोई रिलेटिव नहीं आने वाला. मुझसे लिखवा लो, इनको पकड़ के रखो बगल के कमरे में. सर, शकल से ये लगते अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं सर. पता नहीं मुझे तो लग रहा है शकल पे मत जा थॉमस. मुझे 3 CISF के आदमी चाहिए. लेकिन सर जी, उनकी फैमिली तो. वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है ओम प्रकाश. राइट सर, जितना शक है इन पर हम इन्हें जब तक चाय बिठा के रख सकते हैं. और RDS का लीड भी तो इन्हीं से मिला था हम लोगों को. करेक्ट. तुरंत बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो और उनको बोलो 2 यूनिट्स यहाँ भेजे अभी इसी वक्त. जी चलो भाई. नीचे जाओ इमिग्रेशन के पास, वहाँ जाकर तुम चेक करो. पासपोर्ट दिखाइए. आइए आप. बैंकॉक. मैरिड है? अमेरिका. घूमने जा रहे हैं कि बिजनेस है? जाइए. सर मैं इमिग्रेशन काउंटर के आसपास ही हूँ. घूमने जा रहे हैं? रिटर्न टिकट दिखाइए, मेरे कजन से मिलने. आप आइए, आप आइए. बुलाई, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, तू क्या करता रहता है? बाबा देव डूड फॉर हेयर लॉस. बुलाई, हेयर लॉस? बियर्ड है डूड. बियर्ड है? आज से पहले मैं एक हेल्दी यंग मैन था. इस मोटे की वजह से मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई है. ब्रीदिंग? तू है जो बियर्ड लॉस की वजह से बाबर दिव करता रहता है, और एक मैं हूं जो तुम दोनों के साथ फिल्म मेकर बनने चला हूं. बुलशिट. हम लोगों का ना कुछ प्लान करना ही नहीं चाहिए. घंटा डॉक्यूमेंट्री बनने वाली है. तुम दोनों के साथ मैं सिर्फ एक जंगल बुक बना सकता हूं. सच में यार? तू सीरियसली बाबर दिव को छोड़ हा? और ओसामा को याद कर. ओसामा? क्योंकि अगर आज उसने कोई हरकत कर दी ना तो बियर्ड तो क्या, जिंदगी भर अगर तू ये करता रहेगा ना, फिर भी ऊपर से नीचे हर जगह के बाल झड़ने वाले. कमिंग सर, कमिंग सर. दो सस्पिशियस पैसेंजर आ गए इमिग्रेशन. ओके ओके, आई एम ऑन वे. मोटी उठ गया है. सपने में भी? Gross man. ये Americans कितना ठरके होते नहीं? ये कर क्या रहा है? कुछ नहीं ध्रुव. Dude, it's a relaxation exercise. इसे कहते हैं अपना हाथ जगाने की कोशिश कर रहा है. हाथ सो गया ना? रोहन उठो, हाथ जगाने की कोशिश करे. उठो. अरे भाई पागल साले, जाना मोटे. क्या कर रहा है यार? सीधे बैठ. मोटे उठना यार. तुम लोग सीरियस क्यों नहीं होते हो यार? यहाँ से निकलना है कि नहीं? Do you even realize हम कितने देर से बैठे हुए? कुछ जुगाड़ लगा फिर. अच्छा एक बात सुन. अभी इस कमरे में कोई भी सीनियर ऑफिसर नहीं है. जूनियर्स पे प्रेशर डालते हैं. आइडिया अच्छा है. एक्सक्यूज मी किशोर जी. क्या यार किशोर जी, 3 घंटे हो चुके, 1:30 बज चुके, अभी तक हमें जाने नहीं दिया. कोई तरीका थोड़ा होता है. एक्सक्यूज मी, पासपोर्ट दिखाइए जरा. प्लीज यार बात करो, बहुत टाइम हो गया. सर जी, बार बार परेशान कर रहा है लोंडा, क्या करें इनका? देख लो सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला सर. लोंडो को पकड़ा कि नहीं? जी सर, दोनों को पकड़ लिया सर. हाँ सर, अब लोंडे के पास 2-2 पासपोर्ट है सर. सर जी, इन चारों का क्या करें, खामखा शोर मचा रहे हैं. अच्छा कुछ तो हूँ. सर जी, उन चारों का करना क्या है? लोंडे परेशान हो रहे हैं. अच्छा परेशान हो रहे हैं, रोक के रखो. ज्यादा टेंशन में आए तो चने खिलाओ. इनके रिलेटिव्स भी आते ही होंगे. रिलेटिव्स? ये देखो आ रहे हैं.
किशोर जी, यू आर मिसबिहेविंग विद अस नाउ। ये कोई तरीका नहीं होता है, 3.5 घंटे से बिठा रखा है डेढ़ बच्चे के, आई मीन दिस इज नॉट राइट। रुक, शोर मचा रखा है, साहब बात करेंगे। यार आपके साहब अभी कल तक नहीं आएंगे तो हम लोग यही बैठे रहेंगे क्या? अरे छोड़ दे, ये तो साहब नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैं डरता नहीं हूँ आपके साथ, मैं बात कर लूंगा, मैं क्लियर कर लूंगा सब कुछ। क्या डिस्कशन चल रहा है भाई? अच्छा हुआ आप आ गए सर, मैं वही किशोर जी से बोल रहा था कि आपसे बात करनी है। बैठ जाओ उधर। नहीं नहीं, मैं सोच रहा था अगर यहीं पे अगर बात हो जाए तो। अब तुझे बताना पड़ेगा कि बैठते कैसे। नहीं नहीं, आप क्यों बताएंगे सर, मैं बैठ जाता हूँ सर, मैं बैठ जाता हूँ। जाता हूँ। गुड चिल्ड्रन, बैठो बैठो। गेंडे ऑफिसर की आती फट जाती है यार। बुलाइए हमारे मेहमानों को। आगे आओ जी, सामने आइए, आइए। Who's this chick man? चुप है मोटे साले। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे आ। ऊंटनी भी है सर। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बताइए। अल्लाहर मरहबी, अल्लाहर विक्रस्त, अल अमर सिंह, अल अमर। कौन सी भाषा भाई? हमसे तो फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहा है, ट्रांसलेटर बुलाओ। ट्रांसलेटर को कैसे बुलाऊं सर, मुझे तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही सर, मतलब किस भाषा के ट्रांसलेटर को बुलाऊं सर? थॉमस, डोंट बी स्टूपिड यार, इससे पूछो ना किस लैंग्वेज में बात कर रहा है। किस भाषा में बात कर रहा है, तू कुछ हिंट तो दे। अलहर मजाकी, मजाकी, मजाक समझ के रखा हुआ है, हैं? इतनी हिम्मत होगी तेरी, कुछ भी बोल देगा तू। अल मजाकी मतलब अल मजाकी आओगे हम। थॉमस क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, इनको इन सबके सामने बिठाओ। चल भाई चलो, चल चल चल, मेरा मुंह ना दे, चल बैठ जा भाई। तो तुम लोगों को मालूम है कि ये अल मजाकी कौन है? कोई किसी को नहीं जानता, तो फिर ये इंटेलिजेंस वाले कैसे जानते हैं? They're very intelligent, sir. Shut up! Thomas, do you realize? कोई जाकर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फोटोग्राफी कर रहा है, कोई आरडीएक्स खरीद रहा है, और ये साला दो दो पासपोर्ट लेके घूम रहा है। एक पासपोर्ट तो मुश्किल से मिला साले के पास, दो दो। कोई इसका ट्रांसलेटर कब बुलाएगा भाई? लाता हूं सर, मैं बुला के लाता हूं। अबे ओ भूतरी के, चला तो गया बिना पूछे, इसको मालूम नहीं है लैंग्वेज कौन सी है, ट्रांसलेटर कौन सा लेके आएगा ये? माफ कर दीजिए इसको सर, मैं ट्राई मारता हूं। ए सुनो ध्यान से, हम लोगों के पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन है कि एयरपोर्ट में टेररिस्ट स्ट्राइक होने वाला है। व्हाट? अगर तुम लोगों को कोई भी जानकारी हो, अगर एक दूसरे को जानते हो, तो लास्ट चांस मिलता है, सर को साफ साफ बता दो। नो 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 नो, प्रॉमिस सर, वी डोंट नो एनी वन। अगर तुम लोगों को एयरपोर्ट उड़ाना है तो वैसा बताओ ना यार। नियम 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 नियम। अरे ओ टॉम यॉन डॉन जुआन इन हेल, मेरे को व्हाट्स गोइंग ऑन डूड, आर वी गोना मेक इट आउट अलाइव? भाई बोल देना तीनों लैंग्वेजेस में से किसी एक में। नियम 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 नियम, तुम्हारा भी नियम नियम नियम। तो ठीक है ऑफिसर्स, लोड योर गन्स एट द मार्क, टेक द एम एंड रेडी टू शूट। नीचे करो ना सर। और ओम प्रकाश, ये लोग किसी काम के नहीं है, मेरे तीन गिनते गिनते अगर ये लोग कुछ ना बताएं तो इनको गोली से उड़ा देना, एक एक करके इनके बॉडी पार्ट्स उड़ाना, और इसकी तो जबान भी उड़ा देना साला यम यम दूत। शो एंड सर, ये तो लॉस इन ट्रांसलेशन हो गया सर। तुम्हारा मतलब है अल मजाकी अल विदा हो गया? यस सर। ए ओम प्रकाश, मैंने तुम्हें असली गोली चलाने को थोड़ी ना कहा था यार। अरे मैंने तो पिस्तौल निकाली भी ना, आपने टेबल ठोकी और गिर गया। टेबल ठोकने से मर गया ये? शिट, एक ही कुल मिला था, वो भी गया बहन का। गया नहीं सर, ट्रूथ इसके हाथों में है सर, इसने उंगली दाग दी है, और वो भी इन चारों पे। तो मेरा शक एकदम ठीक। How many times are they going to take our photographs, man? इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के सीमापुर इलाके में 8 किलो आरडीएक्स की डील हुई है, जिसके चलते हर जगह हाई अलर्ट होना चाहिए। मुझे बाद में नहीं सुनना ये वो बोले कि हमने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी उनको। आई नो सर,
बहुत अच्छा मौका था, लेकिन ये ना सब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हो गया। You know, I had a dream about this, that we were at a terrorist convention. अरे एयरपोर्ट के अंदर इतना बड़ा टेररिस्ट आ गया छे कि मैंने कोई खबर नहीं पड़ती कि मैं शू करूं। Get me connected to Raw immediately. Malls, schools, temples और colleges को भी निर्धारित समय से पहले बंद कर देने का आदेश दे दिया गया है। सब्जेक्ट की मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी सर, एंड आई थिंक इट्स साइनाइड। केस की हमने उंगली करके मरा है साला, और इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टेररिस्ट एक्टिविटी इन्वॉल्वड है। आई डोंट थिंक वी आर गोइंग होम टुडे। पहले इंटरोगेशन के लिए इस लड़की को भेजो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हर। वाट लग गई है थॉमस। यस सर। ये आरडीएक्स वालों ने इन चारों में से किसी को पहचाना कि नहीं पहचाना? क्या बताऊं सर, वो नोएडा के थाने का इंटरनेट डाउन है सर। मैंने कहा कि साइबर कैफे चले जाओ, तो कहने लगे कि ईमेल अकाउंट नहीं है। अरे ईमेल अकाउंट नहीं है तो आज तक क्या फीमेल का फोटो देख रहे थे कंप्यूटर पे? थॉमस द सिचुएशन इज सो ब्लडी टेंस एंड यू आर लाफिंग। मोहनदास जी, तुम डेड बॉडी का फोटो लेके जाओ। जी सर। वो मोहतरमा कहाँ है थॉमस? CISF मोहतरमा को लेके पहुंचते होंगे सर, एनी मोमेंट सर। ओ माय गॉड, पहुंच गए सर। दे आर फास्टर देन अस। यस सर। यस, कम इन। देखिए मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। देख थॉमस, टेल हर, या तो हिंदी सीख के आए या इंटरप्रेटर साथ लेके आए, प्लीज। सर ये हिंदी में ही बात कर रही है सर। व्हाट? प्लीज से दैट अगेन। मुझे आपसे कुछ बात करनी है और अकेले में। अटेंशन। यस सर। अरे तुम्हारी भेड़ का, धीरे बोलो, बहरा नहीं हूं मैं। सारे गार्ड अलर्ट हो जाओ, समझे ना। साहब को अपने कमरे में कोई भी नहीं चाहिए, मैं CCTV रूम में हूँ। अगर किसी चीज पे शक हो तो फौरन मुझे खबर करो, समझे ना। मुझे किसी तरह का बवाल नहीं चाहिए साला। एयरपोर्ट पे कोई भी साला पागल किस्म का आतंकवादी हो सकता है। बेटा अब इतनी सॉलिड फटने वाली है ना, बाप भी नहीं आएगा बचाने। साली उसने तुझ पे उंगली क्यों की? मुझ पे उंगली नहीं, बुलाई को की। मुझ पे? अबे जा साले, पहले चश्मा ठीक कर गया। उसने उंगली किस पे भी की हो, फटने वाली तो हम चारों की है ना। I'm fucking scared now, man. Finally, thank God. वो मर गया यार, उसे छोड़ो। But वो लड़की, वो भी हमें dirty looks दे रही थी। I swear. Diane की तरह। Shit. I hate girls. But dude, you seriously sexy, man. What's a Ankit? Any day better than Prachi. मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरे बाप। Please ये Diane और Prachi का drama मत शुरू करियो, please. Hey, but wait a sec. She kept giving you looks, man. And you know, you keep telling us this story about this hot girl you met and you left her with the goat. You know, I just think that this is a lot of bullshit because you wouldn't do that if she was hot. You know what I think? I think she's Diana, man. Shut up, yaar. Sorry. Sali. Agar ek aur baar hum charon ke beech mein tune Diana ya Prachi ko ghusa na, main teri gaan... Sali, please focus kar, Rohan. It's high time you get serious. Focus. Meri baat dhyan se suno. पिछले चार घंटों से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग की बुरी तरह फट चुकी है, ऊपर से वो साला घास मारू हम पे उंगली करके मारा है। उल्लू का पट्टा, ऐसी इतनी टेंशन है और साले सबका शक अब हम ही पे है। ए, परप्रसाद। हाँ? मैं? हाँ। क्या हुआ सर? चलो। रोहन कहाँ सर? अरे वो साहब ने बुलाया है, लड़की से मिलकर कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? हाँ चलो ले जाओ। चल तुम यही रुको। क्यों? दूल्हे की बारी है, बारात की नहीं। I told you he was the goat. Screw you, Rohan. ए, चल, बहुत हो गया। चल। Where are you taking him, man? ए, बैठ। अबे, बैठ जा। चल। बैठ। You want invitation? है? ये लोग भाई को कहाँ ले गए? Dude, chill मार। अंकित ना, दुनिया का सबसे बड़ा जुगाड़ू आदमी है। जय बाबा देव। What बाबा? Stupid fool। भाई ने बोला था ना। अरे एकड़े देखो, अभी भी शोरबंदी नहीं हुआ है। लास्ट मौका दे रहा हूँ, टेल द ट्रूथ। अब की बार हमारे साहब भड़के तो सारी हवा निकल जाएगी, सारी हवा, और तेरी तो निकलनी बंद हो जाएगी। चलो जा रहा हूँ यार। आइए आइए हमारे जी, आप... welcome, welcome. आप तो लीडर हैं गैंग के। एक दिन के लिए बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट हो गया, नहीं? हाँ सर, रियली। अब सर पर मुझे यहाँ अकेले, यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ओह बाय द वे, इनको पहचाना आपने? नहीं सर, वो तो हम लोग कब से बोल रहे हैं, हम इन्हें नहीं पहचानते हैं। ओ, आप इनको नहीं जानते हैं? नहीं सर। कोई बात नहीं, जान जाएंगे, अभी तो बहुत लंबा साथ है आपका। हा? भाई यहाँ से साथ साथ पुलिस स्टेशन साथ जाएंगे, फिर वहाँ से अदालत में साथ जाएंगे, फिर जेल साथ जाएंगे, और मुझे तो लगता
लगता है कि फांसी भी साथ साथ होगी। रिलैक्स बेटा, इतनी फटी क्यों है तुम्हारी? फटी नहीं है सर। फट नहीं रही है? नहीं सर। गुड, तो पीछे जाके खड़े हो जाओ। वहां नहीं, मेरे पीछे। गुड। हाँ, बाय द वे, आपकी दोस्त मुझे बहुत कुछ आपके बारे में बता रही थी। मुझे तो लगता है वो लड़की ना पहले से ही अंकित को जानती थी। तो मेरी दोस्त कब से हो गई? सर मैं पहली बोल रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं। झूठी दोस्तों को झूठा नहीं बोलते, बैड हैबिट। से सॉरी। से इट। सॉरी। सॉरी बोल दिया ना, माफ कर दीजिए ना। और अगर माफ कर दिया हो अमीना जी, तो अब सच भी बता दीजिए, बिकॉज आप सबका ये लास्ट चांस है। जी सर, रियाज आतंकवादी था। ये प्लान हम सब ने मिलके बनाया था। क्या सर, मैंने आपसे कहा था कि इस रूम में किसी और को। अरे कैसे कोई गुस्सा है, तुम लोग कमाल करते हो। मैंने बोला था। मुझे बना रही, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, मदर प्रॉमिस। अबे चुप, जा। नो फिंगर्स क्रॉस। जा चैन लेकर आ। चैन? जल्दी जितना बोला मैं जा रहा हूँ। जा जल्दी। मैम ला रहा हूँ, आप नीचे कीजिए प्लीज। चैन मैंने कहा चैन पे। मम्मी अबे तू नहीं, बॉडी बॉडी चैन पे रख। मोटा बहुत डेंजर है, ले लेगा। चैन पे रख। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। I don't believe I'm doing this. नहीं नहीं, देखिए दो मिनट, बहुत बहुत heavy. अबे चुप, चेयर पे बॉडी रख। कर रहा हूँ मैम, कर रहा हूँ। अब गन तो हटाइए प्लीज। जल्दी बिठाओ चेयर पे। देखिए ये बहुत गलत कर रहे हम लोग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू और तेरे साथी कौन है और कहाँ से आए। मेरी बात ध्यान से सुन, अब रियाज का काम तू पूरा कर। देखिए ये रियाज मिशन मुझे समझ नहीं आ रहा है। चुप बैठ, बाकी सब लोग अपनी जगह पर है, तेरा इंतजार कर रहे हैं। आगे का प्लान तुझे वही पता चलेगा। आउट, आउट। इन लोगों को ऑलरेडी हम पे बहुत शक है। अब ये करके इनका शक एकदम कंफर्म करें। नॉट डन, गॉड विल पनिश यू। अगर अभी तूने अपना प्लान बदला ना, दो मिनट में मैं तुझे तेरे साथियों को नहीं, मौत से नहीं डरते हम लोग। ये तो तूने देख लिया है ना। चल बाहर जा, बहुत की नजर है तुझ पे। जल्दी, मेरा टाइम मत वेस्ट कर, बाहर जा। सर हम लोग इन्वॉल्व नहीं है। Shit. Oh, shit. उस पर नजर रखो और मुझे चेक इन के बाद मिलो। हमें किसी भी हाल में उस फ्लाइट पर पहुंचना है। अंकित तू भी टेररिस्ट बन चुका है, तू भी जिहादी है, उठा ले AK-47। वेलकम टू द टेरर ग्रुप। अंकित ये तू क्या सोच रहा है? अंकित दौड़ यहाँ से, भाग जा यहाँ से, रन अंकित रन रन। 2, 6 और 13 नंबर कैमरा काम नहीं कर रहा है, हैं? क्या हो रहा है ये? सरकार बिल नहीं पे कर रही तुम्हारी, चेक करो चेक करो। के बात है भाई, चालू क्यों नहीं हो रहा? खबर कर, वैसे टेंशन में बीपी हाई हो रहा है। हां ढेल करवाएगा के देल बी टीम अप गाइस। ओ जीसस प्लीज हेल्प अस सांता क्लॉज। गेट सीरियस रोहन, अंकित इज इन ट्रबल, वी हैव टू मेक अ प्लान। ड्यूड लिसन। बैठा रहे, बैठा रहे। सर प्रॉमिस बहुत जोर से लगी है सर, अभी नहीं किया तो सारी यहीं पे हो जाएगी सर। ए इसको ले जाओ। थैंक यू सर। अबे चल चल जल्दी जा, क्या सिर्फ 2 मिनट में है बस। हाँ हाँ जल्दी आना। हाँ बोलो भगवान। पहले आप एक फोन खरीदे, साले फोन क्यों नहीं खरीदता? इस छेछड़ू के पास फोन है और तेरे पास फोन नहीं है। कॉप्स,
9-1-1. ओ मामा, फाउंडर अल बकायदा. हाँ, मरहबा. हेलो. काम नंबर 2 कामयाब हुआ? नहीं नहीं सर, काम नंबर 2 के लिए नहीं आया, वो तो मैंने सुबह ही निपटा लिया सर. याद कैसे किया? याद? नहीं नहीं सर, अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया, यही बोर्ड पे किया सर. इतनी जल्दी कैसे भूल जाऊंगा? खैर छोड़िए सर, मैं और मेरे फ्रेंड्स ना यहाँ एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से किसी भी तरह निकलना है सर. अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. एक बार खिलौना हाथ आ जाए और पतंग उड़ जाए तो फिर हमेशा के लिए आजाद हो. सच? दैट्स ऑसम सर. पर कौन सा खिलौना चाहिए आपको? बड़ी समझदारी से पेश आ रहे हो, कोई है पास में? एक मिनट, सब बताता हूँ. सर, एक आदमी ब्लैक टी शर्ट और ब्लू शॉर्ट्स में मूत्रा है, और एक मिनट ना सर, और दूसरा ब्लू शर्ट में एक आदमी साबुन निकालने की कोशिश कर रहा है पर लगता है खत्म हो गया है. मज़कूबा, मज़कूबा. हंसते खेलते जन्नत जाओगे. जन्नत? लगता है रॉन्ग नंबर था. इट्स अ स्कैरी टॉयलेट मैन. अंकल, मैं पानी पी सकता हूँ? पी ले पी ले. Excuse me, sir. हाँ जी. क्या मैं एक सिप पानी का पी सकता हूँ सर? ओ यार, एक सिप क्यों, दो तीन सिप पी, पूरी बोतल पी जा यार. बिल्लू पुत्र ला अंकल को पानी पिला, प्यास लगी, पी ले. हाँ? मैं क्या सदा जी? हाँ? ए तो वही मुंडा है जिसे साढ़े बिल्लू को टॉफी की जगह मिर्च खिलाई थी, यही है. ओए बोतल ले इधर है, और तेरी इतनी हिम्मत, तू साढ़े बिल्लू को टॉफी की जगह मिर्च खिलाएगा? तूने फिर पानी मांगा ना तो तेरे मुंह में मैं पानी की जगह 1.5 लीटर मूत भर दूंगा. खोता, सारे कपड़े खराब कर गया यार. पानी पीने और सुसु करने के बीच में इतना कम टाइम, ऐसी सिचुएशन हो सकता है. What a terrible day. रोहन जल्दी चला, रोहन जल्दी यार, जल्दी चला. ओ भाई. हेलो. हाँ. ओ गॉड, ये भी टेररिस्ट तो नहीं? ओ शिट. अबे डूड, लिसन. चल चल, छोड़ छोड़, व्हाट इज दिस? अरे क्या कर रहे हो यार? अरे मैंने तू भी नहीं करी. अरे तू क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? चल ना, क्या कर रहे हो? जल्दी. अरे तेरी बहन का तेरी. अरे सर जी, कहाँ गए ये लोग? कहाँ भागे ये लौंडे? और ये धुआं कहाँ से आ चला? और ये देखो, ये गार्ड कहाँ पड़ा हुआ है? उठा इनको सर जी, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाऊं क्या? अरे पहले चल निकल यहाँ से, निकल. मोहतरमा, जो आप मुझे समझ रही वो मैं नहीं हुआ. मैं बुलाई बुलाई. अबे यार, कहाँ था यार? यही पे. और ये क्या पहना हुआ है? लड़कियों की आवाज में क्यों बात कर रहा है यार? मेथड एक्टिंग. सालियां फटके 4 हो रही है, तेरे को मेथड एक्टिंग की पड़ी है? वो सब छोड़, तुझे वो मोटू ATS लेके गया था ना? हाँ. क्या हुआ? मोटू ATS लेके गया था, लेकिन उसके साथ वो जो लड़की थी ना, वो कमी नहीं निकली. कौन? डायना? अबे घास मांडू, डायना नहीं, डायन है, डायन. ओ शिट, शी ब्लडी स्क्रूड इट मैन, शी द फकिंग टेररिस्ट. क्या बोल रहा है यार? वो मोटा सवाल पूछ रहा था, शी व्हैक्ड हिम फ्रॉम द बैक. बेहोश हो गया. पुअर ATS. इसका मतलब वो जो आदमी जहर खा के मर गया, वो सच में मर गया? हाँ, वो साला टेररिस्ट था, ये लड़की टेररिस्ट है, और अब इन्होंने गन पॉइंट पे रख के मुझे टेररिस्ट बना दिया है. पर ऐसे एयरपोर्ट में बहुत सारे टेररिस्ट हैं, who having a watch at me. Oh shit. Shit. अब क्या करें? डूड. हाँ? एक काम करते हैं. हाँ? ये बुरका है ना,
ये तू मेरे को दे दे, मैं ये पहन के बाहर जाता हूँ और किसी को फोन करता हूँ। Cool. At least nobody's gonna recognize me. Nice idea. भाग रोहन जल्दी भाग, पता नहीं अंकित और बुलाए कहाँ पे। यार इतनी फटी बड़ी हुई है, बचा कुचा सुसु भी अंदर वापस चला गया। रिलैक्स ब्रो, रिजर्व ही होगा, वापस आ जाएगा बाद में, डोंट वरी साले। बट डूड, डिड यू आस्क व्हाट टेररिस्ट ग्रुप वर दे फ्रॉम? कमाल कर रहा है यार, वो वहाँ बिग बॉस की तरह ठोक रही थी और मैं उससे सवाल पूछता कि केबीसी खेलता उसके साथ, कौन सा टेरर ग्रुप? ए फॉर अलकायदा, बी फॉर भैंस की आंख। यार तू छोड़, मेरे को ये दे। ये ले, ये पुट दिस ऑन हियर। अभी अभी ये कौन है? अच्छा हुआ आप मिल गए, आइए अंदर चल के बात करते हैं, आइए। कौन है साले? चल चल के देखते हैं। चल चल। सर जी बाहर बहुत हाई अलर्ट है, इस बैग का क्या करना है, प्लान ए या प्लान बी? प्लान ए, बी, प्लान सी। सी? हाँ सी सी, लेकिन तुमको कितनी बार बोला है किसी और को क्लीनर मत बना। तो dude, oh God, what the? ये तो रजनीकांत से भी फास्ट था। घंटा रजनीकांत यार, अभी अभी अंदर सीख आया हूँ। बुलाई, लगता है गया। सच में गया? यार, आज या तो मैं जेल जाऊँगा या गोली चलेगी। Oh God, बुलाई, इसके कपड़े तेरे को फिट आ जाएंगे, तू ये पहन के जा और भाई और रोहन को देख, ठीक है? हाँ। मैं ये बुर्का बुर्का पहन के निकलता हूँ। Dude, ये रेड बैग, एक काम कर, ये तू अपने साथ रख। ओके। सो बुर्का एंड रेड बैग, हमें तुझे ढूंढने में आसानी होगी। नाइस आइडिया। तुम ना घर पे बैठी बैठी खा खा के फैलती जा रही हो। अच्छा? मैं यहाँ कमा कर ना पतला दुबला होता जा रहा हूँ। इतने भोले मत बनो, ये जो दिन भर तुम तंबाकू खाते रहते हो उससे नशा होने लग गया है तुमको। तुम दिन में भी सबसे बुलाई, याद रखना भाई, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। किसी से भी मत डरना, बिल्कुल फटने मत देना। वी हैव टू गेट आउट। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं दिन में भी सपने देखने लग गया हूँ। फायर ब्रिगेड को खबर करो, फायर ब्रिगेड वालों को। लेकिन लेकिन पहले सर को फोन करो। साहब कहाँ हैं? सर सीसीटीवी रूम में। चलो आप। अरे चुप रहो यार। सर जी आप ठीक है ना? सर जी थोड़ी दिक्कत हो गई है। अरे अब क्या हो गया ओम प्रकाश? अरे कमरे में आग लग गई है और तीनों लौंडे फरार हैं। फरार हैं? तो तुम यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो ओम प्रकाश? जाओ ढूंढो। अरे ये लड़के टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट। और ये बैंगनी शर्ट वाला, इसको ढूंढो, ये लीडर है। हाँ ढूंढो, कहाँ पर है? सीसीटीवी में देखो, बाथरूम्स में जाके देखो, टर्मिनल में देखो। सील द एयरपोर्ट। सारे गार्ड्स को बोलो काम पे लग जाए, काम पे। हाँ और एक काम करो, उस लड़की पे जरूर नजर रखना। I'm sure वो लोग हम पर नजर रख रहे हैं, हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। और हाँ उस पर्पल शर्ट वाले पे नजर रखो। Excuse me, इसे देखा कहीं? नहीं। अरे भाई साहब सुनिए सुनिए, इसको देखा आपने कहीं? अरे देखा इसको कहीं? Excuse me, ma'am. Yes. आपने इसको कहीं देखा है? बदतमीज, ऐसे बात करते हो औरतों से? Sorry. हाँ, देखा, उस तरफ, उस तरफ। आओ देखो इधर। भागो। What? कहाँ पर? Okay, ठीक है, fine. I'll call you back. ओम प्रकाश, जल्दी से चेक इन एरिया के पास जितने कैमरास हैं सारे की फुटेज चेक करो, जल्दी जल्दी। अब जल्दी किसी से फोन मांग और किसी को फोन कर, वरना बहुत बुरी फटने वाली है। किससे मांगू? अबे यार हनीमून कपल, साथ कौन सी बिजनेस की बात कर रहे हैं अभी? यार ये सही लग रहा है, हाइट का भी छोटा है, अटैक भी नहीं कर पाएगा। जल्दी से फोन मांग, डैड को फोन कर, सॉरी बोल कि मैंने कॉलेज बंक किया, ध्रुव को स्कूल बंक कराया। अकरम। यस मैम। कुछ पता चला? नहीं। ये कहाँ से आ गई लड़ी टेररिस्ट? भाग यहाँ से अंकित, भाग। तुम इसी एरिया में रुको, आई एम श्योर कि वो यहाँ जरूर आएगा। जी यारी क्या हो रहा है अंकित, क्या हो रहा है? बेगम, हाँ? कहाँ खो जाती हैं आप? कितनी बार आपको मना किया है कि अकेले यहाँ वहाँ मत भटका करो, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा है आपने? लीजिए अपना बोर्डिंग पास और आइए मेरे साथ,
साला इतने बड़े एयरपोर्ट में कहां ढूंढे उन्हें। सुभान अल्लाह, अमीना जी निकल चुकी हैं। अगर बैग चेक इन होता है तो प्लान ए, वरना बी। फोन। हाउ यू रीच द वन। देखो बेटा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ओह सॉरी टू हियर दैट सर, आपको कौन सी बीमारी है? अरे मैं ठीक हूँ, लेकिन पतंग उड़ने में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। तुम अपने साथियों के साथ खिलौने उठाओ और पतंग काटने चले जाओ। सर फिर से पतंग? वैसे बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हकुबा। क्या मतलब? कहो। आपकी आवाज से लगता नहीं कि आपकी पतंग उड़ाने की उम्र है। मेरी नहीं, तुम्हारी तो है। देखो पतंग उड़ने के 10 मिनट बाद ही उसको काट देना। पतंग पतंग पतंग, मैं बचपन से ही पतंग काटते आया हूँ सर। मेरे लिए तो वो बाएं हाथ का खेल है। और वैसे भी आप अपना टेस्ट बदलिए सर, आप कुछ और क्यों नहीं उड़ाते? जैसे कि आप हवाई जहाज उड़ाइए सर। वाह वाह, अल्लकुरा शकशकुरा, वरई वरई वरई। हाँ सेम टू यू, वरई वरई। रियाज, क्या कमाल का लड़का मिला है। इस बार अलबकायदा को कोई नहीं रोक सकता। सर जी, इस टीवी में तो पिछले 16 मिनट से वो लौंडा नजर नहीं आ रहा। अरे ये साले टेररिस्ट छुपने में इतने माहिर होते हैं। हेलो, बाय द वे इनका लीडर अभी तक गायब है। नहीं, सीसीटीवी में पिछले 16 मिनट से कोई। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आई कॉल यू बैक, आई कॉल यू बैक। ये इसको रिवाइंड करना दोबारा। ओम प्रकाश जी, मुझे सिख फैमिली ला कर दो। सिख? अरे कौन बीमार है, किसकी तबीयत ठीक है, पता कैसे चलेगा? सिख जमाने सरदार, सरदार फैमिली को लेके आओ। अरे वो तो ए मिश्रा सर, चले यार। I'm falling sick. Oh shit, what the boy? Rohan? And I'm Dhruv. Dhruv? Dude, finally man. Nice clothes man, tu kaun si duty mein gayi? अबे घास मांडू, ये क्लीनर के यूनिफॉर्म है। Well, congrats man, you got a new job. No man. अंकित कहाँ है? Guys, अंकित प्रॉब्लम में फंसा है यार। जानती हूँ, दुबई में पहली बार अकेला गया था, आज तुम मेरे साथ हो। अरे बेगम सब्र करो, दुबई में बहुत मजे करेंगे। अरे कहाँ गए ये लोग? ढूंढो, ये जा जा, ढूंढो, ढूंढो। मैं तो कल ही रिटायरमेंट ले रहा हूँ। 60 में सिर्फ उम्र दौड़ाने में आके। मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या लिखा है? अरे उसे, अरे उसे लिखा है ना? तो वहीं लिखा हुआ है। Guys, remember, काला बुर्का और लाल बैग। और जिसको वो पहले मिली, वो इधर बुकस्टोर में लेके आएगी, ठीक है? मोटे, पहले बुक तो सीधी पकड़। ओए मारे को क्यों यहाँ लेके आ गए हैं? सर जी, ये है सिक्का फैमिली। ओए सानू इतने क्यों बुला लिया यार, असी की कित है? सानू जान दो, साड़ी फ्लाइट मिस होंदी है। ओए फ्लाइट मिस नहीं होगी, आपके फ्लाइट को 1.5 घंटा बाकी है अभी। तो आपका मतलब 1.5 घंटा हम यहीं बैठे रहेंगे? आवाज नीचे। वो देखो, उसको पहचानते हो? ओ मम्मी पापा। ओ क्या मखौड़ करते हो सर, मैं अपने आप को नहीं पहचानूंगा, ये तो मैं हूँ मैं। सरदार जी, वहाँ पर तुम्हारे साथ कौन है? ओ सरदार जी, ये तो वही मुंडा है। हाँ हाँ सर, ये तो वही मुंडा है जिसने साढ़े बिल्लू को रुलाया था। सर जी, जब मैं इसे पहली बार ढाबे पे मिला था ना, और साले की नीयत मैं वही पहचान गया था। मतलब ओ इसने साढ़े बिल्लू को ना मिर्ची खिलाई थी। अंकल मिर्ची खिला दी थी। तब आखिरी बार जब मैं उसे मिला ना, तो मैंने उसे तुम गाकर भगा दिया था। तब वो टॉयलेट के पीछे भागा था और मैं। थॉमस सर, आप जाइए सर, मैं संभाल लेता हूँ यहाँ पे। थॉमस जाओ, उसे टॉयलेट में ढूंढो। यस यस, सर्च एंड फाइंड, सर्च एंड फाइंड। ओए सर, अगर वो मिल जाएगा ना, खोते था पुत्र तो मुझे जल्दी बताना। नीचे। ये अटैक पूरा होगा, चाहे रियाज हो या ना हो। अरे अभी तो चाटा मारा है, मुंह तोड़ दूंगी मैं। सॉरी, गलती हो गई।
हम अपने भाई को ढूंढ रहे हैं। सॉरी यार, एक तो मेरे शौहर नहीं मिल रहे, ऊपर से ये मोटा ठरकी। I'm really sorry. I didn't know that you were. I thought you were like Ankit. वैसे आप में से किसी के पास फोन होगा? फोन नहीं है यार। हाँ 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 है ना, फोन है। Boy, फोन? इसके पास फोन कहाँ से आया? फोन? हाँ, dude, I know, I will explain everything to you. Hello, हट मोटे। Boy, look this. Who is this man? अरे wait, listen. अरे ये क्या मजाक लगा रखा है? मैं कब से टॉयलेट के बाहर बैग लेके खड़ी हूँ? आना कहाँ है? अब बैग आपके पास है तो खिलौना भी आपके ही पास होगा। वो चेक इन काउंटर। चेक इन? हेलो। चेक इन, चेक इन। एक मिनट आप रुकिए। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। हट मोटे। प्लीज आप देखिए ना, ये क्या बोल रहे हैं ये। हेलो, मोहतरमा को चेक इन काउंटर पे लेके जाओ। चेक इन? हकूबा। वो सर, आप? ही नोज द गाय। मैम, आपके इसमें तो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, पर आप प्लीज उनको अकेला मत छोड़िए। वो क्या है, आपके बिना उनका दिमाग काम नहीं करता। अरे वो तो सिर्फ कद के ही बड़े हैं, वैसे तो अकेले बाथरूम जाने से भी डरते हैं। पर मैम, आप एक काम कीजिए, उनको अगली बर्थडे पे ना मेरी तरफ से एक पतंग जरूर गिफ्ट कर देना। ओके? मुझे ये बताइए, ये चेक इन काउंटर है किधर? मैम, अरे तुम लोग को पता है? मुझे पता, एयरपोर्ट पे तुम लोग काम करते हो। मैम यहीं पे है चेक इन काउंटर। शुक्रिया। ओके, खाता हूँ उसको। ओह शिट, फक, तूने मारा। तेरे पास फोन कहाँ से आ गया? अरे मैं, और उसका पति तेरा दोस्त कैसे निकला? अरे मैंने, और ये पतंग क्या है? ओके, इसीलिए मैं फोन नहीं रखता। रिमेम्बर आई टोल्ड यू अबाउट द रेड बैग, अंकित का बुर्खा, और ये फोन मुझे उसी बैग में से मिला। यस सो, बट आई जस्ट डिडंट टेल यू अबाउट द फोन। फोन दिखा? हां हां, क्या हुआ था? वक्त बर्बाद मत करो, अमीना के पास बैग है और उसमें बॉम्ब है। Terrorist, man! Dude, this sounds like Ankit's bag. You idiot! Oh, you what fool. The fuck, man? तूने क्या कर दिया? मैंने क्या किया? तूने बैग ठीक से चेक नहीं किया था क्या? There were a lot of things in the bag. किसी थिएटर ग्रुप वाले का बैग लग रहा था। मैंने सिर्फ बुर्खा लिया, फोन लिया, बैग वहीं पे छोड़ दिया। अब मुझे क्या पता था उसमें से बॉम्ब निकलेगा? And now it's with Ankit. किस तरह के दोस्त हो तुम लोग? Okay, calm down. We'll think of something, okay? First, let's get out of here, man. चल I can't believe it that Ankit's got a real bomb, man. अगर वो ब्लास्ट हो गई तो पूरा एयरपोर्ट फिनिश हो जाएगा, you ass. Guys, कुछ सोचो, सोचो कि बम वहाँ से कैसे निकाले. Yeah, think of something, Kulai. I'm thinking, guys. I'm thinking. I knew this project was fatal. ऐसा ही सीन था तेरी मूवी में जो तू कल रात को देख रहा था. क्या फिल्म थी यार, एक्टर के बैग में बॉम्ब था ना, क्या डायरेक्टर था यार, सेक्सी फिल्म. लेकिन कल रात को तो मैं पोर्न देख रही थी. थकी? हाँ, उसी में अंकल. हाँ? आपने देखी है? यू मस्ट वॉच इट. कौन सी फिल्म? नहीं नहीं पता, कोई मतलब नहीं देखी. अच्छा, सॉरी, इट्स ओके. चल यार, मरवा देता साला घासमांडू. जिंदगी भर ऐसी फिल्में देखता रही हो, करना क्या है वो तो सीखा नहीं आज तक, फिर सपने में से हाथ हिलाता रहता है. गाइस, ये सब छोड़ो यार, एक काम करो, तुम लोग जाके एटीएस को इन्फॉर्म करो. मैं जाके अंकित को ढूंढता हूं. ठीक है, चलो जाओ, जल्दी जाओ यार. क्या करूं, कैसे ढूंढू अंकित को यार. ये जा, तुम लोग टॉयलेट देखो, हम लोग इधर देखते हैं. चलो उधर. सर, अरे उधर देखो जल्दी. नहीं है उधर? नहीं है. चल जल्दी आ, बाहर चल, जल्दी चल. तुझे टॉयलेट में नंगा सोने की आदत है क्या? नहीं सर, वो हा? नहीं सर, वो हा? दरअसल सर, वो मुझे मार के मेरे कपड़े लगे सर. थॉमस, इसको मार के वो लोग इसके कपड़े ले गए, लेकिन तू वहां क्या करने गया था? टॉयलेट में उनकी टट्टी साफ करने गया था? नहीं सर, वो दरअसल सर, मैं सर, वो शायद उनको मेरे कपड़े चाहिए थे, इसलिए मुझे मार गए सर. सर, उनमें से एक ने सर बुर्का पहन रखा था. बुर्का? अरे ना, देखना तो जा फिर. सर जी, चौहान साहब का फोन. हां साहब, क्या कह रहे हैं भाई? हेलो, हां चौहान साहब, ढूंढ रहे हैं भाई. अरे वो लड़का बुर्का पहन के निकला, बुर्के में ढूंढो उसको.
अब क्या करें सर जी? अरे करना क्या है, साला बुरखे वाले को ढूंढना है। चार दिन और ऐसे ही चला तो साला सर के बाल झड़ जाएंगे। अरे फोटो वाला लौंडा मिल नहीं रहा है। अरे फोटो वो कान में घुसा रहे यार, अब वो साला बुरखे वाले को ढूंढना है। चल अरे चल चल चल। एक लड़का बुरखा पहन के निकल चुका है। क्या? एक लड़का बुरखा पहन के निकल चुका है। प्लान के हिसाब से इन चारों टेररिस्ट में से एक को बुर्का पहन के निकलना था और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है सर। एक बुर्का पहनकर निकला है। एक ही निकला? नहीं सर, एक्चुअली निकल तो चारों ही गए हैं, फरार है मतलब इस वक्त। चार, उनको सीसीटीवी में ढूंढो यार। सर मैं सीसीटीवी में ढूंढ चुका हूँ सर, मैं ढूंढ चुका हूँ, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा क्या सजेशन है, मुझे लगता है कि इसी वक्त एयरपोर्ट को पूरी तरह से इवैक्यूएट कर देना चाहिए। ऐसे कैसे होगा, कैसे करेंगे ये सब? करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए देखो, फिर सिविलियंस अटैक हो जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। चौहान चौहान, कुछ भी करो, उन्हें ढूंढ के निकालो, पता लगाओ। ठीक है सर, जैसा आप बोले। हम कोई डिटेक्टिव एजेंसी है, हैं भी ढूंढ के निकालो। बता दे साची, साची बता दे। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट जरा टॉयलेट जाके आता हूँ। ठीक है जल्दी आओ। ओ फक, अंकित बैग, अब कहाँ फंस गया यार, कहीं ये बुड्ढा भी तो टेरेस नहीं। ओह शिट, आई हैव टू गेट द बैग। सीसीटीवी में टॉयलेट नंबर 3 का फुटेज दिखाओ जल्दी। हमारा शक एकदम ठीक था, अंकित बुर्का पहनकर भागा है। चार लड़कों को एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने रोक लिया। आईपीएक्स न्यूज का सनसनीखेज खुलासा। आरडीएक्स न्यूज ने लिया नया मोड़। हाय सोनिया। प्राची जल्दी से न्यूज लगाओ। व्हाई, व्हाट हैपेंड? अंकित एंड हिज फ्रेंड्स आर कॉट अप बाय द कॉप्स एट द एयरपोर्ट। व्हाट? या स्विच ऑन द टीवी, देयर ऑल ओवर द न्यूज चैनल्स, देयर एवरीवेयर। व्हाट वाज अंकित डूइंग एट द एयरपोर्ट? व्हाट आर द कॉप्स डूइंग विद हिम? डैम सोनिया, अंकित एक्चुअली कॉल्ड अप, वो कुछ बोल भी रहा था, सम ट्रबल एयरपोर्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। एनीवे टेल मी क्या करना क्या? आई डोंट नो, यू नो व्हाट, आई विल जस्ट कॉल यू बैक लेटर। शुड आई कम ओवर? नो, आई हैव टू गो। गो वेयर? एयरपोर्ट यार। अभी इंडिया के तीसरे विकेट गिर जाने पर मैच ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक्सक्यूज मी, आप कुछ ढूंढ रही हैं? जी, मैं चेक इन काउंटर ढूंढ रही थी। चलिए जी। गुड इवनिंग मैम, हैव अ नाइस ट्रिप। गुड इवनिंग मैम, हैव अ नाइस ट्रिप। आइए। चेकिंग की कोई जरूरत नहीं है, ये है आपका नया बोर्डिंग पास। ये आपके पास कैसे? देखिए टाइम बिल्कुल नहीं है, अब जल्दी चलिए। बेटा अंकित, किसी भी तरह फोन मांग और किसी को फोन कर, ये तेरा लास्ट मौका है, सोच मत। देख एयरपोर्ट में कई सारे टेररिस्ट हैं जो तेरे को देख रहे हैं, पर अगर यही टेररिस्ट निकला तो भी फट जाएगी। अब क्या करेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा अंकित। किसी भी तरह फोन मांग और फोन कर, पुलिस को भी तुझ पे शक है, प्लीज आस्क हिम फॉर अ फोन। आपको कुछ चाहिए? पानी वानी, ठंडा कॉफी, चाय? नहीं, तो आराम से बैठिए, अभी टाइम है। देखा, लग गई ना। और अगर ये औरत इसकी बीवी हुई तो जूता भिगो के मारेगी। अब क्या हुआ? इसलिए कहता हूँ कि ज्यादा ठंडा चाय कॉफी मत पिया करो, बार बार बाथरूम जाओ, जल्दी जाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी हो गया। जी मैं कहती हूँ ये क्या हिमाकत है, मैं कब से बाथरूम के बाहर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, क्या मुझे इसीलिए यहाँ लाया कि मुझे बाथरूम के बाहर छोड़ना है? माफ कीजिएगा मोहतरमा, आप कौन? अब ये भी बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। आप यहाँ, तो वो कौन थी? एक्सक्यूज मी सर, आई नीड योर हेल्प सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर, इस एयरपोर्ट में कई सारे टेररिस्ट हैं सर, और ये इन्फॉर्मेशन मुझको पता है क्योंकि मैं भी फंस चुका हूँ सर, इनफैक्ट आपकी पुलिस को भी मुझ पर शक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। देखिए मैं एक लड़का हूँ सर, मैं एक लड़का हूँ, फिर भी बुरखा पहन के घूम रहा हूँ सर। या अल्लाह, क्या करूँ, इस लड़के का कुछ समझ में नहीं आता यार, समझती नहीं। तुमको अच्छा लगता है चिल्लाना? काफी बोल चुकी हो तुम, बार बार कोई अच्छा नहीं लगता चिल्लाना। आप बार बार कुछ भी करते रहते हो वो चलता है, मैं अगर बार बार बोलूं तो तकलीफ होती है आपको। शिट यार, आप बिल्कुल भी नहीं समझ। कासवांडू साला, आपको जो करना लगता है इस बुड्ढे में भी उसे प्राची नजर आ रही है। सर ये कौन सी जगह है सर, हम कहाँ जा रहे हैं? ये ड्रामा, ये ड्रामा,
मजा भी। सर ये कौन सी जगह? एंड हु आर दीज गाइस? अभी पता चल जाए। अच्छा किया अमीना को ले आया। अमीना 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 साला पूरा प्लान बिगाड़ने पे तुला हुआ है। आप लोग कौन? कौन है बे? अरे पता नहीं कौन है यार, होगा तुम्हारी तरह किसी एमेच्योर टेरर ग्रुप का आदमी, साला ट्रेनिंग वेनिंग लेते हो नहीं आ जाते हो अटैक करने। आप भी इन्वॉल्वड है? अरे ये सब थोलो, पहले ये बता इतना अब हम तले देते हैं। जल्दी व्हाट यू मीन करेंगे क्या? देखिए ये आप लोगों का इंटरनल मैटर है, आई थिंक आई शुड नॉट इंटरफेयर, यू ऑल कैरी ऑन, मैं चलता हूं। खड़ा रहे। खड़ा रहे क्यों? वजह भी रियाज भाई को फोन लगा। एक्सक्यूज मी, आपके रियाज भाई तो कब का ऑफ हो गए? अरे मर चुके हैं रियाज भाई। रो रहा है? उगेंगे भाई, रियाज भाई। मर गए तो कैसे उगेंगे? चुप रहे। जिहाद में ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती है। अरे तुम लोग बंद करोगे अपना इमोशनल ड्रामा और संभालो इसको, मैं असली अमीना को ढूंढता हूँ जाके। अच्छा हुआ साला मेरे पास ही आया, पता नहीं कहाँ होगी वो। बैग दे दे। बैग? जी सर। बॉम्ब निकाल। बॉम्ब? बैग में बॉम्ब था? ओह शिट। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? कौन सी सेटिंग करी मैंने? कौन सी औरत के साथ सेटिंग की मैंने? अल्लाह जानता है पहले दो बेगमों के साथ आपने क्या किया। हाँ हाँ अल्लाह बेहतर जानता है कि मैंने बेगमों के साथ क्या किया। मैंने कभी उनके साथ बेवफाई नहीं की, समझी ना? तुम बहुत, तुम्हारे दिमाग में हमेशा शक भरा रहता है। जी आप सटिया गए हो पूरे तरीके से। हाँ हाँ मैं सटिया गया, तुम मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। अरे मैंने क्या कभी छोड़ दी? तुम्हारा घर संभाला, सब कुछ किया और आप है कि तंताल दूं भाई, इस बैग में तूत नहीं है। बॉम्ब कहाँ है? भाई आई स्वेयर मुझे नहीं मालूम बॉम्ब कहाँ है। तेरी तो उठिए मत, उठिए मत, डोंट अब्यूज भाई। जब रियाज भाई ने बोला है कि बैग में बॉम्ब है तो बॉम्ब कहाँ है? अरे देखिए कम डाउन कम डाउन, पहली बात तो ये बैग में बॉम्ब लेके घूमना ना आप लोगों के लिए आम बात होगी, मेरा तो सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है यार। और दूसरी बात, रियाज भाई किसी को कुछ नहीं बोलते थे, इनफैक्ट उनको भी आपकी तरह कोई स्पीच डिफेक्ट था। व्हाट द फक, तुमने मुझको चाटा मारा? आज मालूम ना थले हलावी तुत्ते। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब आप लोग मारते रहोगे। देखो तिलोपुरी के सब को मैं भी जानता हूँ, अगर मैंने उनको कंप्लीट कर दिया ना तो वो लोग भी वायलेंस होते रहेंगे। भाई धमकी दे रहा है। तो तू क्या करता है? एयरपोर्ट में कई लोग बुरखे में, इस तरह वो हमें कभी नहीं मिलने वाला। सर 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 सर, ब्रेकिंग न्यूज़ सर, वो क्लीनर सुनील ने कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन दिया है सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, दरअसल मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी सर, इसलिए सर मुझे माफ कर। चल तुझे माफ किया, अब ये बता प्लान क्या था? सर वो सर रियाज भाई ने। थॉमस नोट दैट। यस सर। रियाज इसका भाई। यस सर। सर वर्जिनल नहीं है सर, वर्जिनल नहीं है। ओ ओरिजिनल। सर उन्होंने उस बैग का ठिकाना बदलने के लिए मुझे कहा था सर, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है सर, मुझे माफ कर दो। कब से कह रहे हो पानी पियो पानी पियो पानी पियो, पिलाते पिलाते हो नहीं। अरे तुम्हारे बैग में निकालो और पी लो। और मेरा बैग उल्लू के पट्टे, टेररिस्ट है साले। अरे बैग खोलना जल्दी, बैग मत खोलो। ये तो लगता है आपका टेररिस्ट मास्क है यार। नापाक थाले। बुलाई टेररिस्ट है, मत खोल। बॉम्ब कहाँ है? बाबा की कसम बॉम्ब इसी में था। प्लीज बुलाई भाई, बॉम्ब अदल भूतनाथ तो। अबे ऐसे कैसे फट जाएगा? बॉम्ब है, कोई दिवाली का पटाखा नहीं है। बदलता है बदलता जाला भाई, टाइम बॉम्ब नहीं है। लेकिन तुमने देखा है बॉम्ब को? मैंने नहीं देखा तो क्या हुआ? रियाज भाई ने तो देखा है। रियाज भाई तेरे देते वो तो मर गए। तो क्या बॉम्ब भी मर गया क्या? इसने बॉम्ब नहीं देखा, उसने बॉम्ब नहीं देखा, मतलब किसी ने बॉम्ब नहीं देखा। अंकित अगर यहाँ से निकलना है तो कोई जुगाड़ लगा अंकित। It's not a bomb. मुझे मालूम है बॉम्ब का है? मुझे मालूम है। अबे क्या
क्या बना रहा है तू खड़े खड़े? नहीं नहीं मैं भूल गया था, पर मुझे याद आ गया। बता बता रहा हूं, मालूम अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ती बॉम्ब क्या होता है मुझे नहीं मालूम। वो अबे साले तुझे कैसे पता बॉम्ब का है? यार वो डी का प्रोजेक्ट। डी डी दाऊद भाई नहीं, अपना डी, अपना डी, डी का प्रोजेक्ट। डी का प्रोजेक्ट कौन सा डी यार? अबे घास मांडू लॉस मोड़े चूस मुतिए लेस मांडू रे, डी मतलब थ्रस्ट मूव का क्रॉस प्रोजेक्ट बॉम्ब। ओ हां मिल गया बॉम्ब, मिल गया बॉम्ब, मुझे पता है बॉम्ब का है, हमें पता है बॉम्ब का है, लेके वो बॉम्ब का। हां हम लेके आएंगे, हम लेके आएंगे। ए आवाज आज इधर आ। आप क्या हुआ? तेरे को बम मिल गया? हाँ। तू यहाँ से हिलेगा नहीं, समझा ना? और सुन तू, तू जाके बम टाइम पर लेके आ। अगर नहीं आया ना बेटा, तो इसको तो मैं टाइकोंडो स्टाइल में समझाऊंगा, चेहरा बिगाड़ूंगा इसका। मैं लेके आऊंगा बम। ओह शिट। ताल। मैं आ रहा हूँ अंकित। तालती। यार ये कोई तरीका नहीं है यार, एक तो बॉम्ब का ठिकाना बता दिया, फिर भी तुम लोग ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हो यार। अब मैं तुझे बताता हूँ कि क्या गुंडागर्दी कर रहे हो। यार क्यों दिमाग खा रहे हो यार, कुछ तो करो यार, कुछ ना कुछ करो। क्या हुआ? नहीं हो रहा है। आमिना। हाँ तुम? मैं फ्रांसिस, रियाज भाई का ही आदमी हूँ। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन से टेरर ग्रुप के हैं? अभी नाम रजिस्टर नहीं करवाया। बताए ऑप्शन बहुत है, अल बतैदा, लतरे बाबा, तेतरत। साला जहां देखो वहां उसमें के चर्चे हैं, न्यूज में, टीवी पे, अखबारों में। हम क्या साले यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए मर जाने के लिए आए क्या बे? हमें भी अपना कुछ करना है। मैंने कहा था मामा, ओ मामा को, ओ मामा, अपना शुरू करते हैं, अपनी बोनी करते हैं ना। भले ही हमारा ये पहला अटैक है, लेकिन तैयारी तैयारी हमारी पूरी है। गुड लक। ओह फक। मैंने तुझे बोला था ना बाहर खड़े रहना। मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया ठीक किया। अमीना जी, रियाज भाई ने बताया था आपके बारे में, मैं आलू गेंगे और ये हमारा साथी अजमल वजाब। बता भी। ये हजरत कौन है? अकरम। ये भी हमारा आदमी है। ये क्या तूत नहीं है? बम का जल्दी कर, बुलाई जल्दी जल्दी। Let's just call Prachi, man. नहीं यार, मैंने प्राची दीदी को ऑलरेडी बहुत झूठ बोला है, मैं तो उसको फेस करने से भी डरता हूँ। अगर वो मेरे सामने आ गई ना तो ध्रुव, तो अरे ये तो प्राची की आवाज है। Hey, how are you doing? Hi, प्राची। ध्रुव। थॉमस, तुम ड्यूटी फ्री एरिया को स्कैन करो। क्यों सर? बॉटल उठानी है। कौन सा ब्रांड सर? शट अप थॉमस, उन चारों को ढूंढो और दूसरे क्लीनर को भी ढूंढो, वी रियली डोंट हैव द टाइम। सर जी वो क्या है कि अबे क्या है सर जी, एक्चुअली इनको एक कोई लेडी सिक्योरिटी गार्ड ने ये टिकट इशू किया है। टिकट में ना ही इनका नाम है और ना ही वो जगह का नाम है जहाँ इनको जाना है। देखिए मसला ये है कि हमको जाना है दुबई, और पता नहीं किसने जो है मेरी मोहतरमा को अमेरिका का टिकट थमा दिया, और उसके बाद कोई और मोहतरमा आ गई मेरे साथ जिनको मैंने अपना दुबई का टिकट थमा दिया। हाँ हाँ ऐसी है वो, कल मुही कहीं की। एक मिनट, उसने बुर्का पहना हुआ था क्या? जी 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 जनाब, जी जनाब। रुकिए। हाँ रुकते हैं। भाई क्या हुआ सर, चारों लोग मिल गए? नहीं एक भी नहीं मिला, और अब हमारी नौकरियों पर पड़ने वाली है लात, कल से बैठकर अंडे देना अपने घर पे। तो भाई बम आने तक हम इंतजार नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं वजाबी? रिजवान भाई, वालिद भाई दोनों प्लेन में, भाई उन तो बोलो जल्दी से प्लेन को आयदा करती थी भी उतनी मिलते होते। नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। थैंक गॉड। ऐसा नहीं करेंगे तो मोहतरमा क्या करेंगे? एक तो बम यहाँ पे है नहीं, ऊपर से रियाज भाई मर गए हैं, हमारे मामा ओमामा का कॉल वेटिंग पे है, और ऊपर से इतनी देर से बेवकूफ बनाया जा रहा है ये सारा। मैं आ गया, मैं बॉम्बे लाया हूँ।
अबे अब देख क्या रहा है, बर्बाद करने के लिए फालतू वक्त नहीं हमारे पास। ए तू अपना टिकट निकाल। जी 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 निकाल। और आप इनका टिकट लेकर पहुंचिए, मैं सिक्योरिटी चेक पे आपका वेट कर रहा हूँ। बुर्का पहनो। अरे ओ माय गॉड, ये तो दुबई की टीटी थे। क्या दुबई? हाईजैक अमेरिकन एयरलाइंस का करना है ना, तो दुबई का टिकट क्या कर रहा है? दुबई का टिकट तुझे किसने दिया? सर दुबई का टिकट मैंने थोड़ी खरीदा सर, जो टिकट मेरे को दिया गया मैं वही लेके आया हूं ना। हमारे टेररिस्ट ग्रुप को अनारी बोल रहा था तू। ए चुप कर, टिकट का डिपार्टमेंट रियाज भाई का था, मेरा नहीं। एक काम कर सकते हैं, ये रियाज का टिकट है मेरे पास, तुम इसे लो और पहुंचो। तेरी बहन का, तेरी फैंसी ड्रेस में घूम रहे थे सर। ए भाई क्यों परेशान कर रहे हो यार? सर आप ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हैं सर? हम गलत नहीं हैं सर, वो टेररिस्ट ने हमारे दोस्त अंकित और बुलाई को फंसा दिया सर। प्लीज फॉर सैंटा क्लॉज से हेल्प अस सर, वो प्लेन विन उड़ाना चाहते हैं। अमीना जी इन दोनों का क्या करना है? अकरम जी, अकरम इन्हें संभाल लेगा। सीट नंबर 282B। और जैसे ही वहां तुम लोग पहुंचते हो मुझे इन्फॉर्म करो। हेलो। अरे भाई ये मनोहर लाल की कहाँ है? सर टर्मिनल 1 पे, उसका सर ड्यूटी। अरे यार दो दो निकम्मे रखे हैं, सारा कैसा स्टाइल रखा है तुमने यार? अरे सर हमारे खुद के फड़ के दरवाजा हो गई, अभी हम भी क्या करें सर? अरे तुम्हारी फड़ी है तुम सबकी फाड़ दो। चलो प्लीज सुनाइए। हड्डियां मत तोड़िए सर, हड्डियां टूट गई। वैसे भी तुम लोग की वजह से आज हम लोग की वजह से। खून निकल रहा है, बुलाई आते भागो यार, रन रन। ग्रुप में भी आ रहा हूँ। शिट मुझे ब्लैकआउट क्यों हो गया? बुलाई अपने बाल हटाओ। इडियट। सॉरी यार। कृपया करके ध्यान दीजिए। आई स्टिल कांट बिलीव दैट आई वाज अटैक्ड बाय अल बकायदा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो या मिले, गाइस प्लीज हेल्प अस। ये तो वही मोटी आंटी का बैग है, चल चल ले लेते यार। अबे अंकल टेरिजा साले दिमाग खराब हो गया, अभी ध्रुव को ढूंढना है, रोहन को ढूंढना है, साले एटीएस को इन्फॉर्म करना है। मैं जा रहा हूँ, आंटी ढूंढ लेगी अपना बैग यार। नहीं 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 सब मत कर यार, एक तो मेरी वजह से उनका हस्बैंड खो गया, और फिर ये लाल बैग, उनके साइज का एक्स्ट्रा साइज लॉन्जरी कहाँ मिलेगा यार? अंकित यार तू तो लॉन्जरी। अरे नो लॉन्जरी यार, देख साले गलत टाइम पे फालतू काम करने के लिए कोई भी अवार्ड मिले ना तू जीतेगा साले, मैं जा रहा हूं यहां से। अबे यार सुन सुन मुझे पता बैग का है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे यार। अभी तू बैग के पीछे क्यों गोइंग ऑन? प्राची तुम्हारा दिमाग खराब है, इतने सवाल क्यों पूछ? जल्दी यार। अरे सुन सुन मैं बता रहा हूं, दो मिनट का सवाल है यार। रुक दो सुन मेरे बात साले, मैं तेरी देख यार, यही तो है। थैंक गॉड मिल गया यार। गाइस जस्ट डन, देयर यू गो, मिल गया। हाँ। अभी चले या फिर आइसक्रीम मंगाऊं? आइसक्रीम डूड दिस इज गुड कर्मा यार। अबे साले जब खुद की फटी पड़ी हो अपने आप को बचा लो, दैट्स इनफ गुड कर्मा यार। बाबा टिप के साले पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं। I really want to know what's going on. What, तुम्हें दिख नहीं रहा what's going on? No, I want to know किसका लॉन्ड्री है। अरे यार मेरा लॉन्ड्री है, चलो बस यहाँ से। Idiots. अरे तेरी बहन का, तेरी चलवाई बहुत हो गई सफाई। अरे चल तेरे बापू ने बुलाया। चल चल इधर खड़े रहो। इसमें था? इसमें था? हाँ हाँ। सर इसमें तो बैग है नहीं। कहाँ भाई बैग? बल्ले माफ कर दो सर। ले जा साले को। ओ इतने बड़े एयरपोर्ट में कहाँ-कहाँ ढूंढने गए यार? बॉम्ब है, कोई मजाक नहीं है। कम इन सर। हाँ थॉमस बोलो क्या बात है? सर वो क्लीनर झूठ बोल रहा है सर। ट्रॉली में कोई बैग बैग नहीं है सर। बैग नहीं है? बैग नहीं है यानी बॉम्ब नहीं है? बॉम्ब नहीं मिल रहा यार वहाँ पे, बॉम्ब नहीं मिल रहा है यहाँ पर एयरपोर्ट पे, टेररिस्ट नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, इनके दो दोस्त नहीं मिल रहे हैं। मैं क्या यहाँ पर छुपन छुपाई खेलने आया हूँ? भाई नहीं मिल रहा यार, कुछ कर। हाँ तो कुछ करो, लो पकड़ो। सर है ना मेरे पास? अरे पकड़ इसे। अरे नहीं कुछ नहीं मिल रहा है सर, वो टर्मिनल 1 पे ओम प्रकाश को जल्दी भेजिए। रियली ओके। अरे भाई तुम मुझे क्या देख रहे हो, मुझे डिफ्यूज करोगे क्या? लेके जाओ इनको टर्मिनल 1 पे, जाओ वहां पे लगो, चलो। और तुम
अरे सरफ, यार जल्दी जल्दी भागना। Fast move, come on. And the authorities in this. अबे, go on, यहाँ पे. Ladies and gentlemen, I have an important announcement to make. जल्दी. There is a bomb in the airport. There is a bomb in the airport. अरे देखो जाके कौन कर रहा है ये अनाउंसमेंट। तो देखते कौन है। Get out of the airport as soon as you can. Sir, there is chaos at the airport, sir. Airport में terrorist आ भी क्या चीज़? सर अभी क्या करेंगे? भाई, हाँ? Airport में bomb है। क्या? भागो। Hunkin, boy, Prachi, Rohan, guys, if you can hear me, just come to the announcement room now. And he panic कर रहा है, भाग में शुरू कर दीजिए। Move, move, run, everybody. चलो यार, run, 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 guys, run. एयरपोर्ट में काठमांडू नीले लाल बैग। वो लाल बैग है, एक लाल बैग है एयरपोर्ट में। जल्दी जाओ। एक बॉम्ब है, एक बॉम्ब है और वो फट जाएगी। अरे यार, ये रोन क्या बोले जा रहा है यार? अरे यार, ये तो लॉन्ड्री इतना छुप क्यों है? Why are you sitting on it? अरे मुझे कौन सा शौक है इसमें बैठने का यार? Guys, that's a freaking red bag. अरे दोस्त से क्या फर्क है जिसमें बॉम्ब है? एक बैग है उसमें बॉम्ब है। मुझे क्यों देख रहे हो यार? ये तो वही रेड बैग है जो मैं टॉयलेट में रखे आया था और टॉयलेट से मैं ही लेके आया ना। तुझे पता है सिर्फ अंडरवेयर है इसके अंदर यार। I want to check the laundry. हाँ, चेक करते। क्या चेक करते साले? अभी इसमें कुछ नहीं का मैं तीन यार पर कुछ और चुपड़ा था। ढंग से देख। अंकित, ये पैकेज। ये क्या है? पहले तो इसके अंदर नहीं था यार। खोल के देख। मम्मी, ओह अंकित, ध्रुव का प्रोजेक्ट। साले, ध्रुव का प्रोजेक्ट नहीं है, यही है बॉम्ब। बॉम्ब एयरपोर्ट के लोगो। एयरपोर्ट के लोगो। अरे चुपचाप बैठ रहे, चिल्लाना मत कर। इसका कुछ कर यार, रिफ्यूज कर यार। अबे पागल है साले, चुप है। अरे मैं सच बोल रही हूँ, एक बॉम्ब है एयरपोर्ट में। वो मिली तो सविता भाभी की, वो हस्बैंड है, उसको दे देना। इस बैग को किसी कोने में छुपाते हैं और चल के एटीएस को इन्फॉर्म करते हैं। हरी अप, ओके गाइस, कम। Dude, this is my phone. साले तेरे पास इतनी देर तक फोन था, बता नहीं सकता था? अरे नहीं, actually this is not a phone, dude. अरे ये some damn satellite phone है यार. साले बुलाए? हाथ में बॉम्ब का बैग लेके घूम रहा, जेब में सैटेलाइट फोन। साले कहीं दूर टेरेस तो नहीं है? क्या बोल रहा है यार? Don't believe this guy. Just one second. Hello. मुबारक, मुबारक। अब थोड़ी देर में खिलौना भी टूट जाएगा और पतंग भी कट जाएगी। सर आप प्लीज अभी पतंग और खिलौने की बात मत करो यार। तुमने जो काम किया है इसके लिए 72 वर्जिन, एकदम वर्जिनल हसीनाएं जन्नत के दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। 72 वर्जिन? अरे शू या वर्जिन यार। देखिए आप जो भी है ना, हमारे पास फालतू बात करने का टाइम नहीं है, इसलिए फोन रखिए, बुलाने के पास भी टाइम नहीं है। हे, कैसे बात करते? मैं उमामा हूँ। अरे आप होंगे उसामा की छड़ी औलाद यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुझ से बात कीजिए। क्या कह रहे? साले तेरे को जान से मारा लूंगा कमीने। You're so screwed, man. अब कर रहे क्या यार? हे ओपी, ओपी बोले। Come in, ओपी। एटीएस ऑफिसर। चलो प्राची, चलो। Please run and look for a red bag. एक लाल बैग ढूंढो। सर वो वाला बैग है सर। अरे एक तो चल चल के हालत खराब हो गई, क्या हो रहा है? मूवमेंट रोको, मेरा नहीं गधे, वहां जाके जहां पर बॉम्ब फटने वाला है जाओ। राची तुम जाके रोन को चुप कराओ यार, बोलो बॉम्ब मिल चुका है। नहीं, आई एम नॉट लीविंग यू हियर। राची बॉम्ब फटेगा तो सब साथ में मरेंगे, प्लीज गो। फक आर यू गाइस? राची दीदी, ओह फक, कम ऑन, लिसन Check out this.
बॉम्ब मिल चुका है, लोगों को जाओ और इन्फॉर्म करो हम तीनों साथ में। चलो भाई, गो ऑन द वे। ओके, गॉट यू, लेट्स गो, कम ऑन ध्रुव, लेट्स गो। यस यस यस, ओह ड्यूड, गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन, द बॉम्ब हैज बीन फाउंड। And it's my great friend Ankit who found it. Three cheers for the champ! That is a fine strike. Sir, bomb hai. Base back pe. Abe kade bomb hai, niche rakh. Hello, hello. Haan, bomb squad, come in, bomb squad. Sir, sir, boliye. Haan, suno. Turant ek unit ko bhejo yahan par, terminal number one par, jaldi bhejo. Sir, haan sir, hame bhi information mili hai ki terminal one pe bomb hai. Abhi to main kya Farsi mein bol raha hoon? मैं भी तो बोल रहा हूँ बॉम्ब है, आगे डिफ्यूज करो ना यहाँ पर। सर सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो हमें आने में कुछ देर हो सकती है। अरे मेरे बाप, जीते जी आ जाना यहाँ पर यार। सर लेकिन पहुँचो जितनी जल्दी हो सकता है। सर जी, बॉम्ब स्क्वाड वाले अभी सीपी में फंसे हुए, एक घंटा लेट आएगा। अबे वो सीपी में फंसे हुए, बॉम्ब फट गया तो मैं क्या ट्रैफिक पुलिस वालों का चालान काटूंगा? बुलाई, आई डोंट थिंक बॉम्ब स्क्वाड कैन मेक इट। वी आर एब्सोल्युटली फाइन, वी आर टोटली सेफ नाउ। बॉम्ब स्क्वाड क्यों नहीं आ रहा है? वी फाउंड द बॉम्ब एंड द बॉम्ब स्क्वाड इज गोना व्हाट? बॉम्ब स्क्वाड नहीं आने वाला है। मेरे को तो लगता है डेस्टिनी यही चाहती है कि तू बॉम्ब डिफ्यूज करे। शट अप बुलाई, बॉम्ब स्क्वाड नहीं आने वाला है, जाओ जल्दी एयरपोर्ट खाली करो। बॉम्ब कमिंग टू द एयरपोर्ट, दिस मींस देयर इज नोबडी टू डिफ्यूज द बॉम्ब। मैंने डिस्कवरी चैनल पे देखा है, आने वाले दिनों में तो पब्लिक वैक्यूम क्लीनर से बच्चा पैदा करने वाली है। डूड, इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी तेरी फट रही है। जो यार डिस्कवरी चैनल चल रहा है, द बॉम्ब इज गोना एक्सप्लोर एनी मोमेंट नाउ। 6 बार तू बॉम्ब डिफ्यूज कर चुका है। अरे सर, समझ में दिमाग मत खराब करो मेरा, नहीं तो उड़ा के रख दूंगा तुम दोनों का यहाँ पर। होमी, लिसन टू मी, इवैक्यूएट द एयरपोर्ट नाउ। पता नहीं प्राची कहाँ हो गया। अरे यार यार, ये तो उसी टेररिस्ट का फोन है। ओह शिट, काम कर तू ही उठा। अबे पागल यार, मैंने पिछली बार बहुत सारा उल्टा सीधा बोल दिया था। डीटीएस, क्या क्या देख रहा है? चल 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 चल, एक्सक्यूज मी, एक मिनट चालू कीजिए प्लीज। फोन है, फोन है सर, फोन है। अरे बोल सर, सर सर फोन है, फोन है यार। सर सर इज इंपॉर्टेंट, हटो चल। सर वो टेररिस्ट का फोन है सर। ओ मामा, टेररिस्ट का फोन है? हां सर। हां भाई, क्या चाहिए तेरे को? ओ मामा से पंगा लिया, अलबकायदा से पंगा लिया, अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। बम फूटेगा 5 मिनट में, जो करना है कर लो, पूरा एयरपोर्ट फिनिश। अब पता नहीं यार, अरे यार ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बुलाई, व्हाई इज ही नॉट टॉकिंग यार? बेटा अंकित। हाँ सर। जी सर। मुझे एक बात बताओ। जी सर। तूने आज तक जिंदगी में कभी कोई बॉम्ब डिफ्यूज किया है? सर बस वो एक बार कॉलेज जैसा प्रोजेक्ट था, नथिंग एल्स। बेटा ये दुनिया ही कॉलेज है ना, पर जो कुछ हो रहा है इस दुनिया में सब कॉलेज का ही प्रोजेक्ट है। सो एक काम कर, तू कॉलेज का प्रोजेक्ट समझकर इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर। ये वाला सर? हाँ। सर ऐसा प्लीज मत कीजिए सर। तेरी अग्नि परीक्षा है, जाकर उसे। अरे जाता है शाने, या लगाऊं एक रैप्टा? अरे जाना यार, फोन मुझे दे। I believe in you, dude. Just go. और सुन, all the best. अबे सर, हाँ? ये कर लेगा सर? हाँ? बस थोड़ा नर्वस है। ओ यार, ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? ये आज साला हम सबको मरवाएगा यार। हाँ सविता, एक काम करो, आज बिरयानी तुम अकेले खुद ही खा लेना। अपनी LIC पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट बधु बराबर से, तू साचवी ने रख दे तने मारे पास काम लग से। सर जी। हाँ। हम लोग पीछे चले। सर जी ये मरवाएगा। अरे मिश्रा, भरोसा करना सीख जिंदगी में, जा खड़ा हो जा पीछे। चलो चलो निकल जाओ सब, सब लोग क्या हो यार? सर जी, चवन सर ने बोला है वो बैंगनी टी शर्ट वाले को बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। बैंगनी शर्ट? अरे अरे यार सर जी, अरे सर जी
ये क्या कर दिया? बंदर के हाथ में सुरा पकड़ा दिया, ये साला खुद मरेगा और मने भी मार देगा। ओम प्रकाश तू एक काम कर, मैं उसको बुला लेता हूँ, तू चला जा वहाँ पर। अरे ना सर जी, तब तो वही ठीक है। अंकित तू कर चुका यार, यू कैन डू इट। सर कुछ काटने को नहीं है सर। अरे तेरी बहन का तेरी। अरे कोई भाई कैची ला कर दो उसको यार। कैची ला। आ रहा है बेटा। पीछे पीछे चलिए, पीछे पीछे मैडम पीछे। अंकित लीव द बॉम्ब। क्या हो गया? अरे प्राची तुम जाओ, उनको चुप करा, मैं कर रहा हूँ यार। अरे क्या कर रहे हैं आप? यहाँ भी पका रही है यार। ये लोग थैंक यू सर। आप भी रुक जाइए ना प्लीज। जल्दी कर, जल्दी जा यार। Listen, okay. घबराने की कोई बात नहीं है, बॉम्ब डिफ्यूज हो रहा है, पर बॉम्ब स्क्वाड से नहीं, अंकित उसे डिफ्यूज करे। जाके रोहन को इन्फॉर्म करो। जाओ, मैं अंकित के पास जाती हूं, जल्दी जाओ, गो। For Santa Claus is safe. Relax, बॉम्ब डिफ्यूज हो रहा है। Oh, shit. All right, people, the bomb is being diffused. अरे काटना! Stop. वो रेड नहीं, येलो, वो जुपिटर बॉम्ब में एक्चुअली क्या होता है, देखो चार वायर से बॉम्ब स्क्वाड नहीं है, अंकित डिफ्यूज कर रहे हैं। वेट, व्हाट डिड यू से? द फोर वायर्स, देन देयर इज अ रेड, देयर इज अ, ओके, शुड आई कट द रेड? अरे भाई साहब, अच्छा चलो, व्हाट इज ऑन, योर रेड इज ऑन, करंट निकलेगा तो अंकित घर पे क्या कर रहे हैं? अंकित डिस्ट्रैक्ट मत हो। अरे मरने से पहले की हरकत कर रहे हैं आगे। क्या फालतू सा कलर पहना हुआ है, ग्रीन, इट लुक्स सो अगली। You said blue, yellow. Green is my favorite color. Yeah, this green is like my most non-favorite color. God help me. Come on, guy, cut it. Focus. अरे काट दे भाई. तू सही नहीं होता ना, मैं काटता हूँ. This time I'm gonna cut it. अरे काट. Uncle just cut it. बेटा काट दे. अरे काट रहा हूँ, चुप रहो यार. It's uncle. अबे. सिर्फ मेरे ही लाइफ में मेरी वैल्यू नहीं है, मैं इडियट नहीं हूँ। गाड़ी, फेम, वर्ल्ड टूर, पैसा, फाइनल डेस्टिनेशन से पहले वाला स्ट्रगल। Happy we have our own clothes back. It's about time too, really, really. Hey dude, how's the eye? Don't ask man, this thing hurts a lot. Ah, you'll get over it. Bulai or Prachi ka? Oh, Bulai went off to return his cleaner's uniform and Prachi went with him because... Hi guys. Hi. I'm Ankit. Ji sir. Sign karo. Sir, it's Ankit sir. Ha ha, Ankit. Okay. How are you? Good, yeah. Chota Shakil. Banna chahta hai wakil. शकल पे मत जा। अमीना जी, इनसे मिलिए, ये हैं ऑफिसर अमीना।
अले 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 ये कौन है? हाथ ऊपर कर। पागल होते हैं ये? ये क्या कर रही हैं आप? हम लोग एक ही टेररिस्ट ग्रुप के हैं और आप मुझको एक गन दिखा रही हैं। रिलैक्स, ये फ्रॉम रॉ, ये फ्रॉम रॉ। लेके जाओ इसे। मामा, मामा को बोल के महिलाओं को आदमी रूम आपको आपको नहीं ना भाई छोड़ पा रहा है। That means all this was a plan. Well, what? Yes. ये टेररिस्ट पिछले 3 महीने से इस अटैक का प्लान कर रहे थे। जाहिर सी बात है। 3 महीने? कि इस अटैक में उन्हें अपने टेररिस्ट के साथ साथ कई स्लीपर टेररिस्ट की भी जरूरत थी। पर रियाज के अलावा मैं किसी को भी नहीं जानती थी। जैसे ही अटैक का पता चला, I informed so. लेकिन यहाँ के पता चला कि एयरपोर्ट में कोई और ही केस चल रहा था। RDX का क्लू और रियाज का तुम पे पॉइंट करना completely increased our doubts. जो सुबह से हो रहा है, we really can't take any risk, can we? अगर ये लड़के वाकई टेररिस्ट ग्रुप से हैं, तो हमें इन्हें बहुत स्मार्टली यूज करना चाहिए। We had to take a risk. Sir, गया वो, प्लान वर्क्ड। पर उसके बाद तुम चारों फरार हो गए। हमारा शक बढ़ता गया। Till clues led us to you. टेररिस्ट मेरे सामने थे, पर आई couldn't do anything because दो लोग प्लेन में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। जितना मैं कह रही हूं उतना कर। और आखिरी क्लू थे मिस्टर शेख, जिनकी टिकट रियाज की टिकट के साथ मैच करके वी गॉट होल्ड ऑफ द अदर टेररिस्ट। बट एनीवेज, व्हाटएवर वी हैव डन वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू गाइस। थैंक्स। वेल डन अंकित, वेल डन। सर, इट्स अंकित सर। बेटा, तेरा नाम अंकित है? हां सर। तो अंकित, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तेरा नाम अंकित है? हां, नेवर माइंड। सो सिली। तो उस दिन वो टेरर अटैक सिर्फ एक टेरर अटैक बन के रह गया। एंड लकीली ऑल फ्लाइज टुक ऑफ ऑन टाइम। वेल, एट लीस्ट फॉर दैट डे। मुझे सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है। तंदूरी भी मंगा के तू मुझे क्यों दे? लोग इधर क्यों देते जहां से आ रहा है? I think I'm fine. Glucondi? Glucondi, Glucondi. Yeah. Bastard! No, don't worry. Find this bomb right now! Chalti, come on! Chalti, come on! Abhinav! Chalti, come on! 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 2 minutes, मतलब चने से भी गैस होती है ना? आप बंद करी नहीं, आप कभी यही आलम होगा सर का। बेटी, इस ऑफिसर से बात कर रही है मेरी। मैं एयरपोर्ट का क्या नाम है? राष्ट्रपति भवन की तस्वीर तो सब ऐसे उतार रही है कि प्रेसिडेंट की नहीं उड़ जानी है। सब खड़ा रहे। अरे क्या क्या नहीं, क्या बुरखा है सर? मैं बचपन से पतंग उड़ाते आया हूँ सर, वो मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है। अरे यार दाएं हाथ? सर मैं बचपन से ही पतंग काटते आया हूँ, मेरे लिए वो दाएं हाथ का खेल है। सर मैं बचपन से ही पतंग काटते आया हूँ, मेरे लिए वो काट। मत बोल, बहुत ज्यादा मत बोल, इतना एविडेंटली नहीं काट पाऊंगा। कट कर, कट कर, कट कर, कर।